Then I will start anything. ओके गाइस, क्या क्या डाउट है मेरे को सब मैसेज पे बताओ. ठीक है, ओके गाइस. तो जैसे मैं बताया आप लोग को जो जो बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुनो. फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखे हो, सेकंड लेक्चर में देखो, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से पेपर पेन में लिखो, उसको उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है. ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये कंसिडर करो कि कोई चीज में जल्दबाजी नहीं करना है, और जितना भी स्ट्रैटेजी देखे वो सही है, लेकिन फर्स्ट लेक्चर का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताया था वो पहले फॉलो करना है गाइस. जर्नलिंग कौन कौन, जितने लोग अभी शुरू कर रहे हो पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन कौन मेरे को बताओ ऑनेस्टली, टेल मी ऑनेस्टली. कोई दिक्कत है नहीं करते हो तो यू कैन टेल मी, सब कुछ है, प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को बताओ कौन कौन जर्नलिंग करना शुरू कर दिया है, ऑनेस्टली बताओ. झूठ भी बोलोगे तो वैसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि क्यों नहीं करे, वैसा कुछ नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं. कितने लोग जर्नलिंग स्टार्ट नहीं किया, टेल मी एवरीवन. ओके ओके ठीक. तो गाइस फर्स्ट चीज मैं बता दूं, रुको मैं एक बार काम करता हूँ, चैट थोड़ा सा मैं पोस्ट ऑन कर देता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो डिस्टर्बेंस. ओके गुड, ओके ठीक है. बहुत लोग बोल रहे हैं सर नॉट येट, एक दो दिन किया था उसके बाद भूल गया, लेकिन याद रखो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई रैंडम वर्ड्स नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग को. याद रखो अगर जर्नलिंग नहीं करोगे, जिस दिन लॉस करोगे, क्वेश्चन क्वेश्चन यही है कि आप जर्नलिंग कर रहे हो कि नहीं, है ना. तो जब लॉस करना शुरू करोगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप लोग लगेगा सर लॉस हो रहा लॉस हो रहा, उसके बाद काम करना, उस टाइम देखोगे गलती कहाँ कर रहे हो, क्या है इसको. जब दूसरे प्रॉफिट कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो, है ना. जब बहुत कोई ये सोच रहा है कि मैं अलग टाइप के ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था, मेरे को स्टार ट्रेड करने चाहिए थे. सबका एक एटीट्यूड होता है, सबका देखना, जितने लोग यहाँ पे हो सबका अलग अलग एटीट्यूड बनेगा. कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेगा, कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा, कोई लियो सिग्नल पे ट्रेड करेगा, कोई थ्री स्टार ट्रेड पे ट्रेड करेगा, ओनली थ्री स्टार पे करेगा, कोई वन स्टार पे ट्रेड करेगा, सबका अलग अलग एटीट्यूड बनने वाला है. ठीक है, तो आपका जैसा एटीट्यूड बनेगा उस हिसाब से आप प्रॉफिट बनाने शुरू करोगे. लेकिन जब आप प्रॉफिट बनाओगे लॉस भी करोगे. ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लॉस होंगे, तो लॉस जो होंगे आपको वो इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फंड लेके स्टार्ट मत कर दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. देखो एनी हाउ आप प्रॉफिट में रहोगे, दैट्स माय गारंटी. लेकिन वही है कि धीरे धीरे जाना है आपको, सीखते जाना. जो लोग हड़बड़ी में आते हैं वो लोग जल्दी ही खत्म करके चल जाते हैं. ठीक है, किसी को ब्लेम करके चल जाते हैं, स्टॉक मार्केट बेकार है. ठीक है, तो इसलिए बोला था जितने लोग यहाँ पे हो याद रखो मेरा बात, स्टार्टिंग में जर्नलिंग एवरी इमोशंस को लिखना है. वहां पे ऑर्डर बुक में एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो नहीं लिखोगे. क्या फील कर रहे हो उस टाइम, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, इज दिस थ्री स्टार ट्रेड या टू स्टार ट्रेड है, क्या कोई पैटर्न ब्रेक कर रहा है, पैटर्न ब्रेक कर रहा है, क्या आगे मेरा कोई रेजिस्टेंस है, मैं एंट्री ले रहा हूँ उस हिसाब से एंट्री ले रहा हूँ, वो सब देखोगे. ठीक है, व्हाट आर यू थिंकिंग दैट टाइम. जब वो आप देखोगे, एक गलती करोगे, मैं जो बोला समझने की कोशिश करो, एक गलती करो. ठीक है, सेम चीज आप दूसरा बार जब देखोगे कहीं एक बार और लिखोगे, और एक दिन आप देख रहे हो सेम गलती में फिर से कर रहा, तो थर्ड टाइम पर आप वो गलती करोगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा नहीं आगे मेरा एक रेजिस्टेंस है तो मैं देख के चलूंगा, देख के ट्रेड करूंगा, रैंडम ट्रेड नहीं लूंगा, या वन स्टार ट्रेड मेरे लिए सूट नहीं कर रहा, मैं थ्री स्टार ट्रेड पे जाऊँ. ठीक है, मेरे लिए वन स्टार ट्रेड ही मेरे लिए काफी है, तो वन स्टार ट्रेड करूँ. तो वो धीरे धीरे आपका एक स्टाइल बन जाएगा. ठीक है, सबका एक एक स्टाइल होता है, आपका एक स्टाइल बन जाएगा. इसीलिए जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है, दिस इज माय वन रिक्वेस्ट, यू हैव टू डू इट. ओके, पेन पेपर में हमेशा लिखो, जब भी ट्रेड करोगे, ट्रेड करने के बाद जरूर आप जो ट्रेड कर रहे हो उस टाइम लिखोगे कैसे, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है. उससे पहले लिखो या उसके बाद लिखो, या ट्रेड ले लिए, ट्रेड ले रहे हो उसके बाद प्रॉफिट दिख रहा है, पीएनएल में आपका प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, वो तो आ रहा होगा, वहां पेपर में लिखो व्हाई आई टुक दिस ट्रेड, आई सॉ दिस, ये वो देखा, मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा है, ब्रेकआउट होने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला, सारा चीज लिखो. मेरे को डर लग रहा है, मेरे को क्या फील हो रहा है, वो धीरे धीरे आ जाएगा. ठीक है, एक मेरे को भी मैं देखा था, मतलब जो जो मैसेज आते हैं मेरे को अमित ने भेजता है, ये सब चीज मैं देखता हूँ. बहुत कोई मेंबर है, पुराने मेंबर है, दीपक शायद तुम ज्वाइन किए हो गए कि मेरे को नहीं पता, लेकिन दीपक कंटिन्यूअसली 7 डेज हो गया प्रॉफिट कर रहा है. ठीक है दीपक, आर यू अवेलेबल हियर, तुम हो अभी यहाँ पे, क्लास अटेंड किए हो क्या दीपक? ओके दीपक नहीं, सुनो दीपक 7 डेज कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है. ठीक है,
उससे मैं पर्सनली आज फोन करने वाला था। 7 डेज कंटिन्यूस प्रॉफिट होने के बाद ना खुद को ना एक अलग लेवल बना जाता है वो, उसको लगता है कि मैं जितना भी प्रॉफिट बना रहा हूँ मैं पर भगवान बन गया, अब तो मैं जो ट्रेड लूंगा वो सब परफेक्ट होगा, वो अपना क्वांटिटी भी बढ़ाने लगेगा। तो उसमें क्या होता है, जब 7 डेज या 5 डेज जब कंटिन्यूसली प्रॉफिट करने लगते हो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, 1-2 दिन ब्रेक ले लो, उसके बाद माइंड को उस टाइम स्टेबल होने दो। वो माइंड अभी ना पूरा खुश, बहुत खुश होगा। मैं बोला था स्टार्टिंग में ट्रेड साइकोलॉजी में, यू शुड नॉट ट्रेड व्हेन यू आर वेरी हैप्पी और वेरी सैड, ओके, जब बहुत खुश हो उस टाइम ट्रेड नहीं करना। तो ये 7 दिन जब प्रॉफिट वो बनाया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, डेली अराउंड 9,000 कुछ प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है, 7 दिन बहुत प्रॉफिट बना चुका है। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 8 डे पे उसको कंट्रोल करना जरूरी है, एटलीस्ट 2-3 दिन ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए, क्योंकि वो माइंडसेट बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रेडिंग में याद रखो गाइस, मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ 95% टाइम साइकोलॉजी काम करता है, 5% टाइम ओनली टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट काम करता है, ठीक है। आप क्या सोचते हो, कैपिटल कुछ होंगे, वही स्टॉक में ही ट्रेड करते हो, 30,000 50,000 कुछ होंगे कैपिटल, आई हैव नो आइडिया, मेरे को नहीं पता, मैं तो देखा था जो प्रॉफिट आता है मैं देखता हूँ, ठीक है, वट एवर इट इज। सुब्रजीत कहाँ, यहाँ कहाँ घुस रहे हो, कैपिटल कितना है, क्या फर्क पड़ता है तुमको, तुमको जब बता रहा हूँ वो समझो, ठीक है, ओके। दूसरा बात मैं बताना कोशिश कर रहा हूँ गाइस, जो आपको लियो स्ट्रैटेजी बताया गया है, ठीक है, 2 लेक्चर के बाद शुरू मत हो जाओ, बहुत कोई यहाँ पे है, फ्यूचर में हम लोग कर ही नहीं रहे ना, क्यों फ्यूचर में करना है, वो सब नहीं कर रहे, ठीक है, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 क्लास देख लिया उसके बाद ट्रेड नहीं लोगे, पूरा 5 लेक्चर खत्म करो। 1 मिनट, क्या ये गलती करा मैंने, और 2 के लॉस कहाँ गया, खा गए, हाँ ऐसे मत करो, हड़बड़ी मत करो भाई, ठीक है ना, धीरे धीरे करो कि हमेशा प्रॉफिट में होगी, ये मेरा गारंटी है, ठीक है, पूरा फोकस में रहोगे, लॉस होंगे कोई दिक्कत नहीं, लॉस हमेशा, जैसे बोलता हूँ लियो मेंबर का एक रूल होता है, हमारे लियो कम्युनिटी ज्वाइन किया मतलब ये सोच किया, लॉस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड प्रॉफिट शुड बी वेरी वेरी बिग। अगर जल्दी एग्जिट कर रहे हो वो लियो मेंबरशिप को तो बेकार लग रहा है, ठीक है। आपको अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, 3 स्टार ट्रेड है, तो आई विल यूज गोल्डमैन स्ट्रेटेजी, आई विल होल्ड ऑल दिस ऑल द मूव, ठीक है, तब मजा आएगा ट्रेड करने में। हमेशा लियो कम्युनिटी का रूल है, छोटा लॉस बिग प्रॉफिट, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज, ओके, ठीक है। तो ये बात था गाइस, तो हम लोग अभी जिसको जो डाउट है पूछो, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेक्चर बता दिया हूँ, फिर शुरू से शुरू नहीं करूँ, अब जो डाउट है मेरे को बताओ सब। यस, आफ्टर खत्म हो गया है ना आप लोग का, अभी जो डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक चीज, मेरे को आप लोग बताओ, देखो आज का जैसे मार्केट में देखो, आज के दिन पे आज का लियो स्ट्रेटेजी फेल हुआ है। फेल क्यों हुआ, आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, 1 स्टार ट्रेड ही काम किया, ठीक है। मैं आज का अगर ट्रेड आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे हमेशा याद रखो गाइस, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को ड्रॉ करना ही करना है, मैं बोला हूँ प्राइस एक्शन इज किंग, अगर प्राइस एक्शन नहीं है तो इंडिकेटर्स कुछ नहीं है, ठीक है। ऑलवेज आई विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है उसके बाद ट्रेड करना है। ये ऐसा नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में हो, आप बोल रहे हो कि मैं 100-100 के इनकम करूंगा, ये नहीं करना है, ठीक है। ओनली ट्रेडिंग व्यू पे, अभी के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ही हम लोग स्क्रिप्ट बनाया, ट्रेडिंग व्यू पे ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, अभी ट्रेडिंग व्यू पे होंगे। नहीं, पाइवट क्या होता है, जैसे मैं बोला था ना कुंदन, देखो मैं क्या बोला था, पाइवट किस लिए होता है, वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, आगे जब मूव कर रहा है वो आगे देता है, क्या बोलते हैं उसको, पुल बैक के लिए हेल्प करता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम पाइवट हटा देना हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना किसी चीज का जरूरत नहीं है, बस लियो सिग्नल लगाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ, काम करो, फैट एंड ड्रॉ करो, वैसे ही ट्रेड करना शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं है ये सब चीज का, ठीक है, जैसे बताने की कोशिश करो। पाइवट लगाना नहीं लगाना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्या है, ओके okay। हाँ तो आज के लिए क्या हुआ, आज के लिए बता रहा हूँ, आज मेरे फेल क्या हुआ, जब मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दिया उसके बाद मेरे को यहाँ पे कहीं पुल बैक मिला, ठीक है, तो जब यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिलने वाला था लेकिन मार्केट सस्टेन ही नहीं कर पाया, आज किसी रीजन से सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला था, बहुत अच्छा ट्रेड होने वाला था, तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ एंड छोटा सा प्रॉफिट यहाँ से कहीं हम लोग को एग्जिट मिला, तो छोटा सा हम लोग को लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे आज मार्केट इतना वोलेटाइल था, इतना वोलेटाइल, मूव ही नहीं कर रहा था, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में मूव कर गया उसके बाद मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, ठीक है, तो ये चीज प्रॉब्लम हो गया। लेकिन कल के लिए देखो, कल के लिए वही चीज देखेंगे हम लोग, लियो सिग्नल देखो, बूम यहाँ पे देखो, बूम, ठीक है, कल के लिए परफेक्ट था, नेक्स्ट डे भी परफेक्ट था, यहाँ पे देखो बूम, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, और ये देखो है
है ना, वो आप लोग समझ में, ये देखो बोल रहा हूँ तो आप लोग को अच्छा पता होना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए। मैं आप लोग को बताया इसलिए बोला कि अच्छे से लेक्चर देखा करो, फिर भी मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि पता है मेरे को बहुत कोई यहाँ पे है जो बिल्कुल लेक्चर नहीं देखे होंगे और आए, मेरे को पता है। ओके आई एम एक्सप्लेन यू गाइस, सी फर्स्ट चीज देखते हैं, जब मार्केट में लियो सिग्नल दिखा, आई विल वेट, इट शुड रीटेस्ट, इट शुड टेक सपोर्ट। ठीक है, किसको सपोर्ट देना चाहिए? हमारे 18 मूविंग एवरेज को। ठीक है, उसके बाद मार्केट बूम होता है। मैं उसको आपको सेंटीमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या होता है गाइस, 18 मूविंग एवरेज जो रहता है, 18 मूविंग एवरेज रहता है हमेशा नहीं, 18 मूविंग एवरेज ऐसा चीज है जो क्या होता है कि हम लोग का 18 कैंडल का एवरेज बनता है, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, 18 मूविंग एवरेज बोलते हैं उसको। 18 डालो, कुछ भी डालो, 18 20 डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब क्या होता है, 18 कैंडल का एक एवरेज बनता है, उसका मतलब है वो भी एक सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट में जब भी 18 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, कोई चीज सपोर्ट ले रहा है, मतलब ऑब्वियस बात है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगा तो मार्केट क्या होगा, बूम होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो मार्केट क्या होता है, बूम होने की कोशिश करता है। फर्स्ट मेरे को फर्स्ट इंडिकेशन है कि 18 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा, जरूर नहीं कि मैं एंट्री उससे नहीं लूंगा। लेकिन और एक कंफर्मेशन मेरे को क्या है, मेरे को लियो सिग्नल बोला है ऊपर जाने के। लियो सिग्नल क्या है, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लियो सिग्नल एक इंडिकेशन देता है, उसका मतलब मेरे को एक कंफर्मेशन मिल रहा है। क्या कंफर्मेशन है, एक तो लियो सिग्नल बोल रहा है अप जाने के लिए, उसके बाद मैं वेट करता हूँ 18 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाने के लिए। ठीक है, इतना याद रखो, यहाँ पे कंफर्मेशन लियो सिग्नल ही एक चीज नहीं है, बस रट्टा मत मारो। मैं हमेशा बोलता हूँ हर लेक्चर में, देखो रट्टा मत मारो, दिमाग में समझने की कोशिश करो। लियो सिग्नल सिग्नल दे रहा है कि ब्रेकआउट हुआ, कोई सपोर्ट को ब्रेक किया, कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तभी लियो सिग्नल दिखाया। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेट के एक 18 मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिल जाए, उसको पुश मिल जाए कहीं से, पुश अगर मिल जाएगा तो मार्केट बूम हो जाए। ठीक, हम लोग पुश चाहिए, तो कहीं से अगर एक रबर पे टच हुआ, एक क्या बोलते हैं जंपिंग कुछ होता है, जब जंपिंग बैंक पे कुछ भी टच हुआ तो यहाँ पे पुश मिल जाए, मैं एंट्री कर लूंगा, वही पुश के साथ हम लोग एंट्री कर लेते। ठीक है, वो मेरे लिए फायदा होता है। तो जैसे मैं आप लोग को बताया था, यहाँ पे देखो उस टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, जब ब्रेक किया मेरे को एक यहाँ पे कहीं पक्का आसपास कहीं रेजिस्टेंस होंगे, प्रीवियस टाइम में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होंगे, तो उस टाइम को लेके मेरा लियो सिग्नल एक लाइन नहीं आता, ऑटोमेटिक आ जाता है। जब भी ये ब्रेक करेगा मेरे को लियो सिग्नल कहीं ना कहीं एक क्या दे देगा, सिग्नल दे देगा, है ना। सिग्नल दिया, सिग्नल के देने के बाद हम लोग वेट करेंगे पुश का। पुश किसको करेगा, जब मार्केट जाके सपोर्ट लेगा, सपोर्ट मतलब देखो उसको टच करेगा, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा है उसमें बार 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 बार। आप लोग क्या क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस के टाइम क्या होता है, मार्केट जब भी एक रेजिस्टेंस होता है मार्केट ट्राई करता है उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि मार्केट खींचा चला जाता है, पूरा नीचे आ जाता है, उसका मतलब क्या, ऑब्वियस बात है मार्केट इसको ब्रेक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सेम टू सेम चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जब मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा, ऊपर जा नहीं पा रहा, तो सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे जब ब्रेक करेगा, ठीक है, एंटर, और टारगेट क्या रहेगा, पाइवट हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस आसपास हो सकता है, वो हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन आगे फिर पढ़ता हूँ करके, क्या है सर आज का प्रीवियस डे मार्केट भी एनालिसिस करना, हाँ वो मैं करूंगा सर, वीडियो लेक्चर में 82.5 हाउ शोइंग टू, कौन सा यूज करना, 2.5, 2.5 में सर। सर एक क्वेश्चन है यहाँ, वो पूछो सर, प्लीज वन टाइम शो मूविंग एवरेज सेटिंग इन चैट। ओके आई विल शो यू सर। सर एंड में लियो सिग्नल का लॉजिक बता देना थोड़ा सा प्लीज। ओके, इन फिफ्थ लेक्चर यू एक्सप्लेन अबाउट ड्रॉइंग ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट कैन बी डन ओनली इन फ्यूचर चार्ट, और नहीं कोई फ्यूचर चार्ट में क्यों करना। देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आंसर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं 18 मूविंग एवरेज की सेटिंग कैसे करूंगा। फर्स्ट चीज गाइस देखो, 18 मूविंग एवरेज का सेटिंग जब जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाना है 18 मूविंग एवरेज पे, जहाँ पे जब सर्च करोगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आपको लियो सिग्नल का सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्ट डालो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, सेटिंग कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चीज, उसके बाद आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज पे जाने के बाद आप लोग को स्टाइल पे जाओगे, कुछ जरूरत नहीं, लेंथ जो है ना, ये लेंथ ना आपका 9 होगा, बाय डिफॉल्ट वहां पे 9 होगा, आपको 18 कर देना है, 18 करने पर लेंथ को 18 करना है, उसके बाद इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देना है। ठीक है, और फटाफट काम करना, ये आप लोग को करना है। ओके, ये रखना है सेटिंग्स उसका। ओके, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन था कि हाँ देखो
बहुत ये पूछ रहे थे फ्यूचर में करें या इसमें करें उसमें करें। ये संदीप एक बता रहा हूँ बातचीत, संदीप ध्यान से सुन, तुम कुछ भी चार्ट में करो, कोई भी चार्ट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखो, हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करोगे, फ्यूचर करो कोई फर्क, तुम किस में एंट्री करो वो मैटर करता है। तुम स्पॉट चार्ट पे एंट्री कर रहे हो या कोई दूसरा जगह एंट्री कर रहे हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं एक्चुअली अनम्यूट करने से बहुत सारा नॉइज होते हैं, उल्टा पुल्टा सब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं कर पाता, ठीक है? ओके, आई विल डू यू डू इट नॉइज। हाँ ठीक है, तो इसीलिए आप कुछ भी स्टॉक्स में यूज करो, अभी एमसीएक्स में नहीं गया हो ना दिलीप, अभी बस इंडेक्स में स्टॉक्स में काम करो, ठीक है? तो इसलिए बता रहा था, जब भी गाइस आप लोग को एक पैटर्न मिलता है तो पैटर्न हमेशा हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करना है। आप लोगों को पता है लेक्चर 5 में बताया, हायर टाइम फ्रेम में ड्रॉ करो, वो कोई भी चार्ट हो, स्पॉट चार्ट हो, फ्यूचर चार्ट हो, कुछ भी, ऑप्शन चार्ट पे नहीं जाओगे, और ऑलवेज फोकस करोगे स्पॉट चार्ट, क्योंकि स्पॉट चार्ट में क्यों देखोगे गाइस, स्पॉट चार्ट में क्यों देखेंगे, क्योंकि सब ज्यादातर लोग कहाँ देखते हैं गाइस, मैं सब बता रहा, ज्यादातर लोग कहाँ बैठे होंगे, ज्यादातर लोग स्पॉट चार्ट में होंगे कि फ्यूचर में होंगे गाइस, टेल मी, स्पॉट चार्ट में, परफेक्ट। आप बताओ मार्केट में कोई इंडिकेशन के रेजिस्टेंस ब्रेकर करता है या इंडिकेटर के बस चलता है या लोग के बस से चलता है, मेरे को बताओ, मैं लेक्चर 5 जो देखा होंगे पता होगा किसके बस से चलता है गाइस, लोग के बस है। तो लोग जितना लोग जो सोचते हैं, अगर लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगा, है कि नहीं गाइस, पहले ये समझने की कोशिश करो। आप मत सोचो कि यार ये ब्रेकआउट दिया है मतलब ऊपर कैसे नहीं जाएगा, वो आपका बात है गाइस, लोग क्या सोच रहे हैं, ये आप लोग बोल रहे हो कि ऊपर जाएगा ये तो आपका बात है, लोग क्या सोच रहे हैं, 10 लोगों में से 7 लोग क्या सोच रहे हैं, सोचो आपके पास एक पावर मिल जाता स्टॉक मार्केट में, भगवान दे देते आपको पावर एक, कि आप जो भी ट्रेड करोगे वहां पे आपको कितना लोग बाय कर रहा है कितना लोग सेल कर रहा है आपको पता चल जाएगा। सोचो आप जाके बोलोगे सर तो वो तो जीरोधा में मिल जाता है साइड में, वैसा वो काम नहीं करेगा, ठीक है? अगर लोग जितना ज्यादा क्वांटिटी जितना ज्यादा लोग वहां पे बाय की तरफ जाएंगे मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है? उसी हिसाब से तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में लोग क्या सोच रहे हैं वो हमेशा याद रखो। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में मतलब क्या है, बड़े इन्वेस्टर्स वहां पे, रिटेलर तो हो गई जो इंट्राडे करते हैं वो तो है ही, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स भी वहां पे हैं। तो बड़े इन्वेस्टर अगर सोच रहे हैं ऊपर जाएगा तो मार्केट ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगा, क्योंकि उनका क्वांटिटी ज्यादा है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है संदीप, लियो सिग्नल का बताएगा, लियो सिग्नल थोड़ी लोग कर लिया है, वो ऐसा कुछ नहीं, लियो सिग्नल बस रेजिस्टेंस ब्रेक करता है वो दिखाता है आप लोग, ठीक है? लियो सिग्नल अलग कुछ नहीं करता, बस आप लोग समझो, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग समझो कि ट्रेड कब करोगे। बहुत बार मैं बोला हूँ कि मार्केट में सस्टेन करना जरूरी है, सस्टेन करना मतलब मार्केट जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है सस्टेन करो, लोग क्या करते हैं ब्रेक करते सर एंट्री करते हैं, नहीं सस्टेन करने दो, मतलब कैंडल को वहां पर रहने दो, कि बायर लोग को रहने दो, तो मार्केट जाके खींच के भी आ सकता है। लोग सोचते हैं सर मेरा मिस हो जाएगा बहुत पॉइंट, क्या दिक्कत है छोटा पॉइंट ले लोगे तो क्या प्रॉब्लम है, रहने दो ना ये छोटा पॉइंट हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखो जब मार्केट सस्टेन कर लेगा उसके बाद जाएगा, ठीक है? चलो नहीं देखे मैं हमेशा बताया हूँ, फिर से मैं रिपीट करूंगा तो बोरिंग लगेगा, मैं जो बताया हूँ लेक्चर 5 तक देखो समझ में आएगा, ओके? हाँ हाँ वही चीज, अच्छा क्वेश्चन है आसिफ, अगर मान के चलो फर्स्ट 5 से कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद छठा कैंडल अगर ब्रेक करता है, हाँ एंट्री ले सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन क्या होता है वो थोड़ा सा हमारे लिए एक्यूरेसी थोड़ा घटा देता है, मान के चलो मैं इस पॉइंट पे एंट्री कर रहा हूँ मेरे को ईजी है, क्योंकि ऑब्वियस बात है सपोर्ट कर रिटेस्ट करके आ गया, इस कैंडल पे एंट्री करूंगा मेरे को ईजी है, एक बार गया चला गया। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं जा पाता उसके बाद बहुत देर कंसोलिडेट करता है उसके बाद एंट्री लेता है, वो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, जैसे आज के लिए हुआ है, देखो ना आज का ही देखो, मार्केट रिटेस्ट किया बहुत बार, मार्केट कंसोलिडेट किया 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 उसके बाद ब्रेक करने की कोशिश किया, थोड़ा सा मार्केट रिस्क हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क है तो रिस्क होगा, है ना? थोड़ा सा लॉस करेंगे तो लॉस पियर तो कर ही सकते हैं, तभी ना बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। संदीप मेरे को लग रहा है तुम बिल्कुल क्लासेस नहीं देखे हो, तो मैं काम करो जाके लेक्चर 3, 4, 5 देखो, वहां पे बताऊँ कैसे चार्ट पैटर्न ड्रॉ करेंगे, पैटर्न ड्रॉ कैसे करेंगे वो करें, ठीक है? आसिफ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, ठीक है? इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि सर क्या होता है सर चार बहुत देर के बाद एंट्री कर सकते हैं क्या? यस एंट्री कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कि बहुत देर रह गया ना वहां पे, सपोर्ट नहीं हुआ वहां पे, मार्केट बहुत देर डिसाइडिंग पॉइंट हो गया, हो सकता है जाएगा जरूर, लेकिन वहां पे क्या कि थोड़ा रिस्क बढ़ जाए, एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन जब मार्केट में टच होते सर आएगा मतलब अच्छा ऑब्वियस बात है मार्केट में पक्का एक अच्छा मूवमेंट देगा, ठीक है? मैं और एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को,
यहाँ पे देखो जो मार्केट में एक सेलिंग सिग्नल दिखाया, रीटेस्ट कहाँ किया है, आसपास यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे रीटेस्ट किया है। देखो उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया, अच्छे से मार्केट क्लोज नहीं कर पाया है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे को इसको क्लोज किया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट को ब्रेक किया, और उसके बाद हम लोग देखो मार्केट मूव किया। तो आप लोग नेक्स्ट ले सकते हो, यस ले सकते हो, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, फर्स्ट 5 मिनट्स में एंट्री नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करो उसके बाद एंट्री करो। ठीक है, आप लोग एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना, टारगेट कहाँ लगाना है, मैं बता दिया। ठीक है, 1 मिनट पे कैसे आप लोग फिर होल्ड करोगे, ये करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके, हाँ तो चार्ट कैसे ड्रॉ करोगे गाइस, वो मैं बताया हूँ, जाके देखो, क्योंकि वो ऐसा चीज है आपको सीखना जरूरी है, पैटर्न्स क्या होते हैं वो सब जानना जरूरी है। ओके देखो आज का मैं बता रहा हूँ, आज ही एक छोटा पैटर्न, सिंपल पैटर्न मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, एक कैसे दिखाऊं, 5 मिनट्स के कैंडल में दिखा रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट्स आज का देखो, फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलेंगे, देखो इसको बहुत बार ऐसा होता है लेकिन बहुत रेयर ही होता है। ठीक है, इसको फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग गिन सकते हैं। देखो अगर मैं नॉर्मल 5 मिनट्स में, मैं हमेशा बोला हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम ज्यादातर नॉइज नहीं रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं ना, लेकिन 5 मिनट्स में क्या होता है, 5 मिनट्स में मतलब मार्केट में ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल होगा और नॉइज बहुत ज्यादा होगा है ना। यहाँ पे देखो गाइस, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो बार बार रेजिस्टेंस था और ब्रेक भी किया और उसके बाद कोशिश किया ब्रेक नहीं कर पाया। कल अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, रीटेस्ट हो जाएगा इसको, अगर मार्केट चलो मार्केट ऊपर गया और यहाँ से रीटेस्ट कर गया, अगर ब्रेक करता है ना तो हम लोग सोच सकते हैं एक बिग फॉल हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है नहीं तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्रेक करके रीटेस्ट के लिए जा रहा है। अगर रीटेस्ट कर गया यहाँ तक मार्केट आया, क्योंकि आप लोग को पता चल रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, मैं आप लोग फटाफट दिखा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं अगर बॉक्स ड्रॉ करो तो आप लोग देख सकते हो क्या कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 बार कोशिश किया, 5 बार कोशिश किया, नहीं जा पाए, यहाँ पे कुछ कर लिया जो भी मंडे हो, ठीक है 6 बार कोशिश किया, नहीं जा पाए, नहीं जा पाए, नहीं जा पाए, ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाके यहाँ से फिर से सपोर्ट लेता है और मार्केट फॉल होने की कोशिश करता है, अगर जहां से डीप टेस्ट हुआ था अगर उसको ब्रेक करता है, वी कैन थिंक मार्केट यहां तक आ सकता है नहीं तो यहां तक भी आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो चांसेस है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मैं बैंक निफ्टी का दिखा रहा हूँ, आप लोग स्टॉक्स में देखना हो उस हिसाब से, क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं किया हूँ, बस मेरे को दिखा था आज, आज तो मैं आप लोग को दिखा दिया। ठीक है, सिंपल फंडा है, आप लोग सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ किया, एवरी वन गाइस क्लियर हो रहा है मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पैटर्न आप लोग को दिख रहा है कितना कितना यहाँ पे कितना पॉइंट में मैं रेजिस्टेंस लिया हूँ गाइस, कितना बार मार्केट में टच किया है बताओ मेरे को, जो लोग बिगिनर से बताओ मेरे को यहाँ पे कितना बार मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आसपास लिया है कि नहीं, 4 5 टाइम्स लिया है ना, अराउंड 5 टाइम्स लिया, तो जितना ज्यादा टाइम्स लेगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है कि नहीं गाइस, है ना बनता है। तो या सोचो गाइस, ये अगर 1 मिनट 1 आवर पे होता है, ये 5 मिनट्स पे है, तो इसलिए क्या हुआ मार्केट छोटा मूवमेंट करके रीटेस्ट ले जा रहा है, मार्केट छोटा मूवमेंट किया, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझो, ये 5 मिनट्स में मैं टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, मतलब छोटा टाइम फ्रेम जहां पे रिटेल इन्वेस्ट मतलब इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर मतलब बहुत नॉइज, बहुत नॉइज। ठीक है, तो छोटा टाइम फ्रेम में जब ब्रेक कर रहा है मार्केट तो क्या हो रहा है, छोटा टाइम में मार्केट ब्रेक किया मतलब मार्केट उसी जगह से रीटेस्ट करेगा। अगर ये चीज सोच दो 1 आवर में होता है, और 1 आवर में सोचते हो इतना छोटा मूवमेंट होता ना 5 मिनट्स के लिए, ये आसपास कहीं 100 पॉइंट के आसपास होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को बिग पॉइंट हम लोग को मिल पाता है, आराम से इजीली हम लोग को बिग पॉइंट्स हम लोग अचीव कर पाते। ठीक है, ओके, तो ये चीज कंसीडर करना हम लोग को, हायर टाइम हम जितना होगा कंफर्मेशन उतना ज्यादा होगा। बहुत कोई यहाँ पे है जैसे दीपक का बताना, वो उसका अलग स्टाइल है, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाता है, मतलब करता है वो ओनली 3 स्टार पे ट्रेड करता है, नॉर्मली ट्रेड डेली नहीं करता है, वो 3 स्टार पे करता है, ओनली ट्रेंडिंग मार्केट पे करता है। ठीक है, और नॉर्मली वो स्टॉक्स पे करता है, जैसे वो मेरे को भेजा था, मैं उसका बताया आप लोग को। ठीक है, तो यही चीज है, सबका अलग अलग स्टाइल बनने वाला है, कोई होगा कि मेरे को बैंक निफ्टी में ही मेरे पसंद है तो बैंक निफ्टी में वो ट्रेड करेगा। यस, हायर टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर 15 मिनट्स पे हम लोग को ड्रॉ करना है। ओके, मैं इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता, बहुत कोई यहाँ पे है जो लेक्चर नहीं देखते, लोग को लगता है यहाँ पे मैं फिर से शुरुआत करूंगा, ये नहीं कर सकता ना गाइस, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेस तो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप लोग वहां पे क्लियर हो जाए चीज, है ना।
मैं डायरेक्ट आपको एडवांस वर्जन पे लेके जा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत कोई बोल रहे हैं कि सर हायर टाइम फ्रेम में कैसे क्या होगा। देखो मैं आप लोग को क्लियर कर रहा हूँ, ये देखो अगर एक बार सोच के देखो, मार्केट में 1 आवर में अगर इतना ब्रेक करके उसके बाद रीटेस्ट ले आता है, और रीटेस्ट के बाद क्या होगा, जो ये मूव होता है उसके बाद जो ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब ब्रेक करता है, यहाँ पे बस आप अकेले नहीं एंट्री कर रहे हो यहाँ, ठीक है, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, बड़े इन्वेस्टर सब कुछ सबको यहाँ पे है, सबको ही है। जब सबको ही रहता है यहाँ पे तो मार्केट बूम 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 करके ऊपर ही उड़ेगा, उड़ते जाएगा, ठीक है, उड़ते जाएगा। लेकिन लेकिन क्या है कि अगर सोचो कि बस आप लोग इंट्राडे कर रहे हो तो ये मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हो। मार्केट जरूर तो एक बार ब्रेक किया है, मतलब सस्टेन किया है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन एक बार किया है ना, अगर सोचो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट इसके ऊपर सस्टेन किया 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 उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट मैं क्यों छोड़ू इंट्राडे में। इंट्राडे में ये मेरे लिए बहुत पॉइंट होगा कि 1 आवर लगता है एक कैंडल बनने में ना, 1 आवर तक तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, मतलब 1 आवर तक नहीं जाएगा, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तक तो जाएगा, वो 15-20 मिनट्स में मैं पूरा कैप्चर कर लूँ 5 मिनट्स के कैंडल में, है ना सर। जब हम बाइनरी में ट्रेड करोगे तो निफ्टी देखना भी है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो अभी के लिए अभिषेक अभिषेक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप निफ्टी देखोगे कि नहीं। देखो अभी के लिए आप टोटल स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी क्या है कि पहले जाके मैं निफ्टी देखने लगूंगा, इसको देखने लगूंगा, उसको देखने लगूंगा, तो मेरे कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगोगे वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, निफ्टी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट मैक्सिमम टाइम 97-80% सेम ही रहता है, 2-3% कभी कभी रेयर चांसेस है कि अलग अलग रहेगा, ठीक है, हमेशा सेम रहता है। तो निफ्टी अगर फॉल हो रहा है तो बैंक निफ्टी को खींचेगा ही खींचेगा वो, ठीक है, वो करेगा ही करेगा, फर्स्ट चीज। दूसरा बात है, जब और प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, आप लोग ग्लोबल मार्केट भी देखना शुरू करोगे कि अच्छा एजीएक्स निफ्टी क्या खोला है, ठीक है, डाउ जोन्स क्या कर रहा है, अमेरिका मार्केट, सब ये सब देखना पड़ेगा आप लोग को धीरे धीरे। वो सब देख के आप लोग अच्छा वो लोग भी गैप ओपन हुआ है तो आज भी मार्केट ऐसा हो चांसेस है, 130 के बाद उनका मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट में वो अच्छा मूव कर रहा है तो मेरा मार्केट भी 130 के बाद चेंज हो सकता है, ठीक है, वो सब अलग अलग होता है सर। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, इसका थोड़ा क्लैरिटी एक बार बता दीजिए, डेट से कंप्लीट कर दिया, बट इसके रिगार्डिंग ज्यादा टाइम का टॉक नहीं था, बस वन एग्जाम्पल, सो प्लीज ओके सियोर श्योर डेफिनेटली वाई नॉट, यहाँ पे आप लोग एक एक चीज क्लियर करना, डोंट वरी अबाउट इट, सीखेंगे जब। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार क्या है गाइस, 1 स्टार 2 स्टार मतलब अगर मेरे को एक इंडिकेशन मिला है, मतलब कैसे बताऊं आप लोग को, इंडिकेशन मतलब एक ही कंफर्मेशन है, मतलब मान के चलो यहाँ पे एक सिंपल है कि एक रेजिस्टेंस को लेवल को, एक लेवल है यहाँ पे, एक लेवल ऐसा है यहाँ पे, एक लेवल बन रहा था मार्केट ब्रेक किया, ये 1 स्टार, और कुछ रीजन आपके पास, और कुछ रीजन नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह पे जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ये ब्रेक जो हो रहा है यहाँ पे 2-3 इंडिकेशन मिल रहा है, मतलब एक आप लोग का होगा रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ पे कोई पैटर्न होगा, पैटर्न को ऑटोमेटिक पैटर्न ब्रेक कर रहा है, 2 स्टार 3 स्टार हो सकता है, यो सिग्नल यहाँ पे अप दिखा दिया है, रीटेस्ट भी हो चुका है मान के चलो, ठीक है, और आप लोग का और क्या था बताया था, प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर रहा हो, प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहा हो, तो इसी हिसाब से मान के चलेंगे जितना ज्यादा कन्फर्मेशन होगा, मतलब जितना ज्यादा आपको कन्फर्मेशन है कि हाँ ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, तो उतना ज्यादा है कि मार्केट नीचे जाए, क्योंकि सबको यही सोच रहे हैं ना क्या चाह रहे, प्रीवियस डे को हाई कर रहा है, पैटर्न ब्रेक कर रहा है, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो लोग को लोग जो सोच रहे हैं तो आप भी उसी हिसाब से सोच रहे हो, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग एंट्री करेंगे और बूम मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिलेगा और अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट लेंगे, है ना, दिस इज द स्ट्रैटेजी एक्चुअली। हाँ देखो डेटा कुछ नहीं है, जैसे बहुत कोई बोलते हैं सर ओपन इंटरेस्ट देखना, अभी के लिए नहीं गाइस, अभी के लिए जो मैं बताया हूँ उसी में फोकस करो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटली मत करो ओपन इंटरेस्ट, ये सब मत कॉम्प्लिकेटली मत करो, सिंपल फंडा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बिगिनर्स हैं गाइस, बिगिनिंग से शुरू करो, जो मैं बता रहा हूँ क्लास में उसी चीज पे फोकस करो अभी स्टार्टिंग में, इतना ज्यादा इधर उधर नहीं करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और जब भी बताओ जब भी ट्रेड करोगे गाइस हमेशा याद रखो 2.5 2.5, जब भी ट्रेड करोगे आप लोग हमेशा याद रखो अपने पास किसी को नहीं रखना, अपना फोन भी साइलेंट करके रखो, अच्छा फोन में ट्रेड करते तो अलग बात है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रख दो, किसी के साथ भी बात नहीं करो जो, क्योंकि वो कंफ्यूजन बहुत होंगे गाइस, ना टेलीग्राम चैनल खोल के रखोगे, ना आप न्यूज देखोगे, ना किसी से बात करना, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग साइकोलॉजी हमेशा याद रखो 95% साइकोलॉजी, तो वहां पर दिमाग शांत होना चाहिए,
अगर मैं देख रहा हूं कि दो एंट्री है और एक बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्रेड लो, लॉस होंगे क्या दिक्कत है लॉस होने, तो हम लोग का लियो मेंबर का रूल्स है, छोटा लॉस बिग प्रॉफिट, ये तो करेंगे, आज नहीं कि तो कल करेंगे। ओके ओके ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ओके मैं करता हूँ, ओके यू आस्क। हाँ सर, किस दिन बन, अच्छा बोलो संदीप, बोलो। हाँ संदीप बोलो। हेलो हेलो, हाँ संदीप बोलो, आवाज आ रहा है, बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि हाँ मैंने आपके पांचों लेक्चर देखे हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं देखे, लेकिन एक मेरा छोटा सा एक इंक्वायरी है। लाइव तो चार्ट में, अपन कैसे ड्रॉ करेंगे? लाइव जब ट्रेड चल रहा हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? हाँ अरे जी, नहीं देखो, कैंडल अगर बन रहा है, मान के चलो कैंडल तो ऐसे ऐसे करके स्पीड में नहीं जाएगा, कैंडल बन रहा है, ठीक है, कैंडल बन रहा है, तो तुम उस टाइम क्या करोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना पहले, ठीक है, जैसे बताया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो क्योंकि तुम तो ऑलरेडी एक मार्केट, जैसे बोला था फर्स्ट डे पहले, मैं जिस दिन तुम ट्रेड करो एक दिन पहले तुम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखो रखे हो, ठीक है, मान के चलो हाँ, तुम, हाँ बता रहा एक दिन पहले तो हो जाएगा। जी बता रहा बता रहा, बता जी तुम 10 स्टॉक्स चूज किए, ठीक है, 10 स्टॉक्स चूज किए, परफेक्ट, 10 स्टॉक्स में तुम ड्रॉ करके रखे हो कि मेरे को पैटर्न से, कोई ट्रायंगल पैटर्न है, कोई चैनल पैटर्न है, ऐसे टाइप का ड्रॉ ऑलरेडी होके रहे, ठीक है, जी उस टाइम व्हाट यू विल वेट, वेट करोगे किसका, एक ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट हुआ मेरे एंट्री करूंगा, ये मेरे को फर्स्ट डे का है, मतलब प्रीवियस डे में मैं जो पैटर्न ड्रॉ किया उसी हिसाब से परफॉर्म किया। लाइव ट्रेड में क्या करोगे, लाइव ट्रेड में ड्रॉ कैसे करोगे, सेम टू सेम फंडा, अगर मान के चलो मार्केट में, इसी में एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो, कोशिश करो समझने का, मैं आप लोग दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे आऊँ, ठीक है, इस पॉइंट पे आऊँ, यहाँ पे देखो, एक मिनट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंड, ये क्या पूछ रहा है, 1 मिनट गाइस, मेरे को टीम को बोलने दो, सुकुमार व्हाट इज दिस यार, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, ओके मैं काम करता हूँ, व्हाइट स्क्रीन में समझा रहा हूँ, ठीक है, देखो 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 संदीप, तो लाइव मार्केट में क्या होगा, उस पॉइंट पे मान के चलो मार्केट ऐसा करके, मार्केट एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक मिनट, मार्केट ऐसा करके फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा फॉर्म हो रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में तुम क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे कहीं चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो यू नो दैट कि इफ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, ओके आई नो दैट कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा, टच होगा, क्या होगा दीपक, क्या होगा संदीप, यहाँ पे यू टेल मी क्या होगा, यहाँ पे हम, या तो ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकअप सपोर्ट होगा। लेगा, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ब्रेकडाउन होगा तो इसी हिसाब से ड्रॉ करना है, जब मार्केट में ऑलरेडी तुम यहाँ पे हो, ठीक है, उस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो यू विल डिसाइड, यू विल ड्रॉ दिस लाइन, तो यू विल थिंक कि मार्केट में जब इसको ब्रेक करेगा तो इसको ड्रॉ करेगा, हम लोग एंट्री लेंगे, मैं वही वही चीज कंफर्म कर रहा था आपसे हाँ हाँ कि अपन लाइव मार्केट में ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ड्रॉ हो जाएगा? हाँ ऑब्वियस होगा, बहुत टाइम मिलता है ड्रॉ करने के लिए, बहुत टाइम मिलता नहीं, है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसीलिए जितना मेरे को मैंने स्टडी किया है उसमें मेरे को यही मालूम पड़ा है कि जो भी ट्रेंड लाइंस वगैरह अपन को ड्रॉ करते हैं हाँ तो ये लाइव मार्केट में ड्रॉ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, ये क्या स्किल पता कौन नहीं बोल सर, दिया, मतलब इसके बल तुम बट देखा, सुनो मेरे सुनो सुनो सुनो, मैंने करके नहीं देखा। मैं हाँ वही आपसे कह यही रहा हूँ, मैंने चीज करके बोल, नहीं देखा, मैं कल करके देखूंगा। वही चीज, बस वो यही गलती चीज मेरे को करो, आपसे कंफ्यूजन था मेरा, तो आपने सोचा कि शायद मैंने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे। मैंने लेक्चर्स आपके सभी देखे हैं, हाँ संदीप देखो, लेकिन संदीप बस ये सुनो, कंफ्यूजन था मेरा। समझ गया जी, संदीप, सुनो जो बोल रहा इसको हूँ, मैंने प्रैक्टिकल ट्राई नहीं किया। जी तो ये गलत है ना, पहले हमेशा याद जी रखो संदीप, तुम पहले जाके मार्केट में प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते, बहुत कोई लोग करते हैं, यहाँ पे देखो सब मैसेज कर रहे हैं, सबको ड्रॉ करते हैं, तो मार्केट में ऑलरेडी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कंफ्यूजन करो, था उसके बाद तुम मेरा, ऑटोमेटिक हो कंफ्यूजन जाओगे, था, बस वही क्लियर करना था आपसे, और ओके कोई बात ओके नहीं। ठीक है, चलो।
चलिए सर, आज का लियो सिग्नल का थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें, आज जो हुआ वही एक बार देखता हूँ मैं थोड़ा सा, अभी क्या हो गया चार्ट में मेरे को समझ में नहीं। और जो लास्ट मोमेंट पे 3:05 पे अपने को बाय का सिग्नल आया आया था, रीटेस्ट हुआ लेकिन उसके बाद मूव काफी बुलिश, काफी बुलिश बार था, उसके बाद तो वो नहीं हुआ, तो उसके लिए कल के लिए अपन उसको कैसे मान के चल सकते हैं, क्या अपन फॉलो कर सकते हैं उस हिसाब से, वो थोड़ा बताइए। मार्केट में अगर लियो सिग्नल, एक सिग्नल आ जाता है ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट होता है, उसके बाद मान के चलो मार्केट में कल मार्केट ओपन हुआ, इसको ब्रेक किया ठीक है, फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं करोगे, फर्स्ट 5 मिनट्स में एंट्री नहीं करोगे। अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर गया और मार्केट सेकंड कैंडल इसका ब्रेक करने की कोशिश करा, अच्छा कैंडल ब्रेक करने की कोशिश करा, देन यू विल एंटर। ओके गॉट इट, ठीक है सर। अच्छा, अपने लियो सिग्नल 5 मिनट में और 15 मिनट्स में भी अलग अलग आ रहे हैं। हाँ अलग आने दो, तुमको जो बोल रहा हूँ वो 5 मिनट्स में, तो 5 मिनट्स में ही करो, अपन को 5 मिनट्स में ही फॉलो करने ना। हाँ 5 मिनट्स में करना ठीक 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 ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो प्रैक्टिस, देखो बिना प्रैक्टिस के आप नहीं बोल सकते कि ये होने वाला वो होगा सर मेरे को नहीं, वो तो जब मार्केट में ऑलरेडी करोगे तभी ना कर सकते हो ना सर। वो पूछ रहे हैं कि लियो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली करेगा, हाँ ऑटोमेटिकली करेगा ना। अच्छा देखो क्या कि मार्केट में जब ब्रेक किया वो ऑटोमेटिक लियो सिग्नल दिखा देगा, हम लोग वेट करेंगे किसका, एक रीटेस्ट है ना, उसके बाद जब ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे ठीक है सर। पहले उसको बोलो मार्केट में कुछ दिन बता, हाँ वही चीज में कुंदन, कुंदन भी अच्छा तुम संदीप थोड़ा मार्केट में प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी ड्रॉ करना बहुत, ये जो होता है ना जो संदीप क्वेश्चन पूछो तुम, ड्रॉ करना ऐसा तुम ड्रॉ नहीं करने लगोगे, तुमको दिखेगा ही नहीं बहुत दिन, अभी तो तुम प्रैक्टिस करो दिखेगा ही नहीं पैटर्न सर का, मेरे को तो नहीं दिखा, वो दिखेगा ही नहीं। जब मार्केट में ट्रेड करने लगोगे कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगोगे, उसके बाद पैटर्न खुद ब खुद दिखने लगेंगे। अच्छा यहाँ पे अरे मेरे को दिख गया यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन है, अच्छा यहाँ पे तो सर हेड एंड शोल्डर है, ये ऑटोमेटिक दिखने लग जाएंगे है ना, मतलब मार्केट में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, अरे सर ये तो हेड एंड शोल्डर था मैं एंट्री किया था। बहुत कोई यहाँ पे है, बहुत मेंबर्स हैं जो उनको कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं, वो लोग प्रैक्टिस करते करते हुआ, जैसे उनको लगा कि यहाँ पे देखो एक कप एंड हैंडल, सर यहाँ पे मेरे को कप एंड हैंडल दिखा था तो मेरे को नेकलाइन ब्रेक किया तो मैं एंट्री करेगा, वो धीरे 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 आ सकते हैं। एक्चुअली रुको थोड़ा सा, रुको गाइस थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ है सेटिंग में, सडनली क्या मेरा साइन आउट हो गया, मैं टीम से बात करने दो एक बार, रुक जाओ थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, क्या सडनली क्या कर रहे हैं टीम यार। ओके 1 मिनट गाइस 1 मिनट ओके।
हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर है? अभी आई वॉइस क्लियर है ना? ओके 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 ओके, पता नहीं क्या हो जाते हैं, वाईफाई ऑफ हो गया था। अभी क्लियर है ना गाइस? ओके देखो संदीप, मैं तुम्हारा फर्स्ट डाउट क्लियर करता हूँ। देखो अगर सोचो कि इस टाइम पे तुम ट्रेड कर रहे हो, है ना, तुम इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हो, सोचो कि मैं ये सब ड्रॉ हटा देता हूँ, इस लाइन से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं सारा चीज हटा दी। देखो अगर जो मार्केट में कैंडल बन रहा है, ठीक है, कैंडल ऐसे बन रहा है, मेरा वॉइस क्लियर है सबको ना? वॉइस क्लियर है सबको? जब देखो मार्केट में कैंडल बन रहा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में दिख जाता है, यहाँ पे दिख रहा गाइस, आप लोग सबको वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा? यस सर नो बोलो गाइस, यस सर नो बोलो। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गाइस। तो देखो संदीप, तुमको यहाँ पे दिख गया, देखो यहाँ पे तुमको दिख जा रहा, जो नॉर्मल बंदा भी है वो भी उसको भी दिख जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख गया है। फटाफट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, यू सॉ दिस कि आपको ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन दिख गया है, तो ऑटोमेटिक आप लोग समझ में आ जाएगी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ मतलब ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो लाइव मार्केट में ऐसे ही काम करता है संदीप, मार्केट में कभी ट्रेड ही नहीं किया उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सर मैं ड्रॉप होता है कि नहीं। प्रैक्टिस करो गाइस, सब चीज कैसे मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सो सो के इनकम करोगे, एवरीथिंग इज नेसेसरी। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करोगे यू हैव टू सी द चार्ट, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। इट्स नॉट ऐसा होता, पैसा बनाने होता तो सबको कसिनो समझ के आ जाता है ना, पैसा लगा देते तो पैसा बनना पड़ता, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, चार्ट पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो आज जैसे था, देखो यहाँ पे मार्केट में ब्रेक हुआ, अगेन रीटेस्ट किया यहाँ पे क्या हुआ गाइस, मार्केट शुरू होते के साथ ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाया, चला गया, ठीक है। और ये हम लोग के लिए बहुत ज्यादा एक ये बन गया कि यार ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है आज मार्केट फॉल होने चांसेस था बहुत वोलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि ये क्या कि 5 मिनट टाइम फ्रेम है तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कोई चीज, ठीक है। ब्रेक किया कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक प्रॉब्लम फेस किए। यहाँ पे क्या हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम में, देखो बाइंग सिग्नल दिखाया, डोंट वरी अबाउट इट, वेट फॉर अ रीटेस्ट। ओके रीटेस्ट होगा देन वी विल सी नेक्स्ट डे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, अच्छा खासा ब्रेक मिलता है, तो वी कैन थिंक कि अगर मार्केट में इसको ब्रेक करेगा आके, तो वी कैन थिंक मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है इतना मार्केट अच्छा खासा मूव देगा, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं, वन स्टार भी हो सकता है, वन स्टार मार्केट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जाके मार्केट में यहाँ पे इसको टच कर जाए, नहीं तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसको टच करके मार्केट रिवर्स आए, है ना। नहीं सूर्य नारायण, अभी ट्रेड नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस करो पहले, उसके बाद यू विल थिंक अबाउट ट्रेड और ये सब, ठीक है। ओके अभी अभी कुछ नहीं, अभी बस प्रैक्टिस करने में ध्यान दो गाइस, ना ज्यादा हड़बड़ी सब चीज को, है ना, वही चीज अच्छा नहीं लगता। एक मिनट, एक एक बंदा यहाँ पे ट्रेड किया है, परफेक्ट, ही इज रियली लर्निंग। कौन है ये, कौन ड्रॉ किया है, मैं देखता हूँ अभी, वो मेरे को फोटो भेजे, अभी देखते हैं कौन ड्रॉ किया। सूर्य नारायण, सूर्य नारायण ड्रॉ किया है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग हाउ ही हैज ड्रॉन दिस लाइन, हाउ इज प्रैक्टिसिंग सी। दिख रहा है वो क्या किया, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, वो देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बाय जोन यहाँ पे हो सकता है ना, यहाँ बाय हो सकता है, बाय होगा, ठीक है। ये वन स्टार ट्रेड है, वन स्टार ट्रेड मतलब क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि वन स्टार ट्रेड है मतलब यहाँ तक रेजिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो प्रीवियस डे हाई हो सकता है, तो पाइवट हो सकता है ना, ये हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो एटलीस्ट 30 पॉइंट हम लोग को, इतना ये टारगेट नहीं भी होगा तो 30 पॉइंट्स तो एटलीस्ट हम लोग ट्रेड करेंगे ना, जैसे बोला 30 पॉइंट्स तो हम लोग पकड़ के रख सकते हैं, 30 पॉइंट्स पहले हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, 20 to 30 पॉइंट्स मिलेगा हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, यू नो गाइस राइट, ठीक है। देखो गाइस आप, मैं समझ रहा हूँ आप लोग को, अभी क्या होता है कि बहुत डाउट रहेगा, बहुत रहेगा ये करना वो करना, अभी रुक जाओ आप आराम से, मैं बता रहा हूँ सब कोई अच्छे से ध्यान दोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सब चीज को, आपको कोई नहीं रख पाएगा, दिस इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, जैसे बोलता हूँ यहाँ पे लियो मेंबर में ये मत सोचो कि मेरे को कल आके पैसा कमाना है, जो लोग ये सोचते हो आप लोग गलत कर रहे हो,
बहुत जल्दी पैसा खत्म होने वाला है. यू हैव टू सस्टेन इन मार्केट, मार्केट में सस्टेन करना जरूरी है. प्रॉफिट में फोकस मत करो, सर बता दो ना कल मैं क्या कौन कर दू, सर एक टिप बता दो ना, एक कॉल बता दो ना, तो वो लोग बहुत जल्दी खत्म करेंगे. मैं इतना गारंटी श्योर लिख सकते, पेपर पे लिख सकता हूँ, वो अकाउंट जल्दी खत्म होने वाला है. ठीक है, इसीलिए याद रखो धीरे धीरे जाएंगे और जिंदगी भर अर्न करोगे. ठीक है, जिंदगी भर अर्न करोगे. एवरी वन जो लोग प्रॉफिट बना रहे, राहुल करके एक बंदे, राहुल ज्वाइन किया कि नहीं पता नहीं मेरे को, जिससे इसका नाम रह याद रहता है, जो लोग अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो मेरे को मतलब अच्छे से क्वेश्चन का क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं वहाँ पे, वो लोग ठीक है बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है उनका, वो मेरे को भेजते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह. मेरे को याद है राहुल, राहुल फुल नेम क्या, राहुल मना किया, राहुल कुछ है ठीक है. उनका प्रॉफिट हमेशा बिग रहता है, वो मिनिमम अगर ट्रेड किया मतलब वो 19,000-18,000 निकालेगा ही निकालेगा, एनी हम 19,000-11,000-18,000 निकालेगा ही निकालेगा, एनी है वो निकालेगा. ठीक है, वो भेजता है, वो बोलता है सर मैं ओनली गोल्डमैन स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ. उस सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी, कोई जरूरत नहीं आपको 18,000 निकालने की जरूरत नहीं, आप 1,000-1,000 करके 5 बार निकालो ना, सबका अलग अलग एटीट्यूड होना चाहिए, है ना. इसलिए मेरे को कोई कोई स्टूडेंट्स याद हो जाते हैं, एक कान्हा करके हैं, वो मेरे को उनका अच्छा लगता है ट्रेड करना, स्टाइल उसका अच्छा है, बहुत लोग का अलग अलग स्टाइल रहता है, बहुत कोई पैटर्न पे खेलते हैं. ठीक है, लियो सिग्नल को बस कंफर्मेशन पे रखते हैं, तो सबका अलग अलग स्टाइल है, तो आपका भी अलग स्टाइल बनेगा. हड़बड़ी मत करो, बस आपको 4 दिन हुआ है, आपने जो यहाँ नए मेंबर ज्वाइन किया हो 4 डेज ओनली हुआ, ये मत सोचो कि सर मेरे को ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा, मैं जिंदगी भर सीखूंगा, है ना. मैं हूँ ना आप लोगों के साथ, जब भी जो डाउट रहेगा मेरे को वहाँ पे अमित के नंबर पे व्हाट्सअप करो, सर मेरे को सर से बात करना, मैं सबसे देखो एक बार तो डेली डेली बात नहीं कर पाऊंगा, है ना, अब जब भी मैं फ्री रहूंगा आप लोग से पर्सनली बात करूंगा, जो क्वेश्चन है मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हो. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, जब तक आप प्रो नहीं बनते, जब तक पैसा नहीं बनाते हो, तब तक मैं हूँ आप लोग के साथ. यहाँ पे लियो कम्युनिटी ज्वाइन किया मतलब पैसा बनेगा नहीं जब तक, आई एम देयर फॉर यू गाइस, ओके, एवरी टाइम आप लोग के साथ, और पैसा बनना चाहिए. यू हैव टू गो फॉर ओनली बिग मूव्स, यू हैव टू अचीव बिग टारगेट्स ऑलवेज. जल्दी जल्दी 2 पॉइंट में 20 पॉइंट में निकलना, इट्स मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी, बट वोलेटाइल मार्केट में करोगे, लेकिन हमेशा बड़ा स्टार्ट ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट बनाओ, स्टार्ट ट्रेडिंग हमेशा लोगे. ठीक है, ओके कहना, ओके ठीक है, मेरे को याद है सब कुछ. सर किस दिन बैंक में अच्छा ट्रेंड रहता है, तो निफ्टी ट्रेंडिंग कैसे कैसे चूज करें. देखो कुंदन, अच्छा क्वेश्चन, जैसे बैंक निफ्टी कभी ट्रेंडिंग रहता है, कभी निफ्टी ट्रेंडिंग रहता है, सब कुछ डिपेंड करता है स्टार रेटिंग पे, स्टार ट्रेड पे, है ना. अगर मेरा जितना ज्यादा देखो हमेशा याद रखो, जितना कंफर्मेशन होता है तो लोग को कंफर्मेशन, देखो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे पैटर्न ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तुम ये सोच रहे हो, और एक बंदा यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न रेजिस्टेंस ब्रेक करा, और एक बंदे को दिखा यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस, छोड़ आरएसआई के बारे में बात नहीं करें, यहाँ पे आरएसआई की डाइवर्जेंस, और एक बंदे को दिखा कि कुछ न्यूज आया है, और एक बंदे को दिखा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, तो वो सब तो आप इतना सारा चीज तो नहीं देख सकते, आप ओनली तीन चीज को देखो. तो जितना लोग ये सब सोचते हैं, सबको ही सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, तो मार्केट ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगा, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को सस्टेन करने देंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री करेंगे, बूम मार्केट को अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के लेके आएंगे, है ना. दिस इज द थिंग, डोंट वरी, 4 दिन हुए हैं, बहुत कोई बिगिनर हो जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता चार्ट पैटर्न्स के बारे में, डोंट वरी. जैसे संदीप है, संदीप अभी तक ट्रेड नहीं किए कभी भी, उनको ड्रॉ अभी तक नहीं किया, वो धीरे धीरे सीखेंगे, जब सीख जाएंगे वो भी खुद को बोलेंगे सर मेरे को भी आ गया अभी ड्रॉ करना, है ना. दिस इज द थिंग गाइस, ओके. जो क्वेश्चन है मेरे को पूछो गाइस, आई वॉन्ट टू क्लियर एवरी वन आंसर, ओके, एवरी वन क्वेश्चन, टेल मी एवरी वन. जब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है तब तक ट्रेड नहीं करोगे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट गाइस, परफेक्ट बनाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ. आप लोग एक दिन मेरे को थैंक यू नहीं बोलोगे, मेरा नाम विक्रम नहीं गाइस, आप लोग मेरे को थैंक यू एक दिन बोलोगे, सर आपके वजह से मैं आज परफेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरे को सुनोगे, मैं सबसे सुना हूँ, जितना मेंबरशिप हम लोग ज्वाइन किया सबसे सुना हूँ, आपसे भी सुनूंगा, ये मेरा गारंटी है, और मेरे को पता है आप लोग करोगे, थोड़ा सा टाइम दो, हड़बड़ी मत करो, बस मैं यही चाहता हूँ, हड़बड़ी करोगे तो आप खुद हार जाओगे. ठीक है, वरुण ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना मैं 3 नंबर पे लेक्चर पे बताया हूँ, ठीक है, 1 मिनट पे जाना है, 1 मिनट पे जाके ट्रेल करना है, वो बताया, प्लीज देखो थर्ड लेक्चर देखो. ठीक है, ओके रवि, पूछो पूछो रवि.
आज आज कितने लोग प्रॉफिट बनाया मुझे बताओ, आज कौन लोग ट्रेड किए थे, पेपर ट्रेड किए थे बताओ, कितना लोग पेपर ट्रेड किए थे और कैसा, अब कितना कौन सा पॉइंट अचीव किया, कितना कहाँ एंट्री किए थे मेरे को बताओ गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेडेड टुडे? यस, लियो स्क्रिप्ट जो दिया हूँ वो भी यूज करोगे ठीक है। मैं वरुण जब दे दूंगा मैं जब और हम लोग कुछ अपडेट करते हैं तो मैं बता दूंगा, ओके डोंट वरी। ओके कुंदन, कहाँ पे एंट्री कैसे किए थे कुंदन, वेयर डिड यू एंटर? ओके रुको 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 कुंदन, मैं काम करता हूँ। कोई भी जरूर नहीं है बैंक निफ्टी में गाइस, वेर एवर यू एंटर्ड यू टेल मी ओके, कहाँ पे एंट्री किए थे कैसे अचीव किया ठीक है। हाँ कुंदन बोलो। यस सर, वो एक्चुअली सर सपोर्ट असिस्टेंट में पहले से ड्रॉ किए हुए थे हम। अच्छा कहाँ पे? चार पांच दिन प्रीवियस सर, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे। हाँ सर वहाँ भी एक, हाँ एक तो वहाँ सर अपर हाँ, में हाँ? तो उसपे सर नॉर्मली बस गया वहाँ और मैंने देखा और ट्रेड जो है सो एक छोटे से स्टॉप लॉस साथ, सोचा रिस्क ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सपोर्ट सीखेंगे तो ले लिया, तो वो डायरेक्ट सर मुझे शुरू वाला स्टार्टिंग पॉइंट मुझे वहीं पे मिल गया सर। अच्छा और यहाँ भी उसका मिल गया सर, था, हाँ अब सर बस बात है कल जाके प्रीवियस डे हाई पे ही जाके हाँ टेस्ट सर, कर लेते हैं। बस टेस्ट मारा वो सर, वहाँ पिन बार दिखा बस मैंने ट्रेड ले लिया ठीक सर, वो डायरेक्ट मुझे मिल गया पॉइंट्स। और सेकंड फिर सर इसमें जो है ना सो वो पैटर्न बनाए सर यहाँ भी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी, दोनों में सर पैटर्न अच्छा बनाए, अच्छा तो अच्छा अच्छा पैटर्न ड्रॉ होने के बाद वहां सर वॉल्यूम दिख गया हमको, तो अच्छा वॉल्यूम वहां देखा उसका प्रॉफिट सर इसमें हम निकालिए, अच्छा तो वहां अच्छा वॉल्यूम दिखा जहाँ सेल अच्छा खासा हुआ, बस मैंने ट्रेड अच्छा डाला सर सेकंड में यहाँ 12 के आसपास में, 12, 12, 5 या 10 में, फर्स्ट सेकंड 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 क्लोज हुआ सर, 18 मूविंग एवरेज तो रहा है ये वाला वाला। हाँ, लास्ट 12 के पास सर, 12 बारह 12 बजे बजे करीब, अच्छा हाँ 12 बारह बजे बजे करीब मतलब में, पैटर्न जो ब्रेक किया, अच्छा हाँ 12:20 हाँ का, अच्छा सर, राइट राइट, हाँ तो उससे पहले सर वो मैं छोटा पॉइंट्स के लिए मैंने किया था, अच्छा चलो अच्छा यहाँ तक तो कम से कम आ जाएगा ना, हाँ छोटा ही राइट सा राइट राइट लेना है कोई बात नहीं जाने दो, बट छोटा ओके सा कि प्रॉफिट में वो सर गोल्डमैन स्ट्रेटजी काम कर गया और थोड़ा सा नीचे भी मिल गया मुझे, अच्छा समझे 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 तो वहाँ 18 मूविंग एवरेज कारण, और वहाँ पर सर मुझे दिख गया था वहाँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में जो, हाँ वहाँ पैटर्न ब्रेक वॉल्यूम हुआ अच्छा था, खासा, हाँ अब अच्छा वॉल्यूम अच्छा खासा था, अच्छा समझ गया ठीक। वॉल्यूम वहाँ से मैंने देख लिया था, नहीं और तो आज आज प्रीमियम, चांसेस था कि मार्केट बहुत हाँ फॉल सर होता है, ये हुआ नहीं, रीजन हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो चांसेस से इसको ब्रेक करेगा, मैं तो बोल रहा हूँ फॉल होगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा यस ये सर, अच्छा था, अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, गुड गुड गुड, हाँ सर, मतलब तुम नए हो, नया मेंबर हुए ऑलरेडी पहले? सर नहीं सर पहले से कर रहे हैं बहुत दिन से सर, अच्छा नहीं वो मतलब लगे हुए हैं अभी, सर, मैं बोल रहा हूँ अभी लियो मेंबर ज्वाइन किए हो, पहले से ज्वाइन किए, कौन सा नहीं बैच था? सर मेरा सर 3 मतलब 29 के आसपास में सर, अच्छा इसी ट्वेंटी मंथ नाइन में, अगस्त का, हाँ हाँ अच्छा, ओके ओके समझ गया, मतलब हाँ 5 सितंबर का, 29 अगस्त का है, अच्छा समझ हाँ गया, वही सर, ठीक है ठीक है ठीक हाँ है, सर ओके मैं ऐसे पहले से कर रहा हूँ सर ट्रेड, अच्छा इस पे गुड दिमाग गुड पहले से मेरा लगा गुड, हुआ है, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से होगा, हाँ ठीक है सर, ठीक हाँ सर, है ठीक है कुंदन, मैं मीट ठीक है सर, कर ठीक है सर, रहा हूँ ओके। और कोई क्वेश्चन था सर? 2 लोट में 3,000 किया, मॉर्निंग टेस्ट किया, अच्छा आसिफ ओके ओके। देखो जैसे कोई बहुत कोई मेरे को ये पूछते हैं सर स्टॉक सिलेक्ट कैसे करें, देखो मैं आप लोग को बता दूंगा स्टॉक सिलेक्ट कैसे करोगे, लेकिन मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं फील करता, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझो, मैं आप लोग को बता दूंगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करो, मैं उसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, इसीलिए मैं लेक्चर 4 में बोला हूँ कि हमेशा 10 स्टॉक अपना चूज करके रखो, जैसे मेरा चोलाफिन, उसका चोलाफिन सोलाफिन जो भी है मेरा फेवरेट है वो ना ठीक है, मैं अगर मैं 10 स्टॉक्स चूज करता हूँ, 10 स्टॉक्स में मेरे को पैटर्न दिखता है, 10-15 स्टॉक्स दिखता हूँ डेली एक बार स्क्रॉल करके जाता हूँ, जो मेरे को 5 स्टॉक्स दिखा पैटर्न में वही पैटर्न के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं आप लोग को ऑलरेडी लेक्चर 4 में बताया हूँ वो चीज़, प्लीज उसको देखना ठीक है, उसको पूरा बड़ा सा अच्छे से बताया हूँ, देखो हमेशा याद रखो पहले प्राइस एक्शन को हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट देंगे, उसके बाद लियो ट्रेंड का, लियो ट्रेंड क्या होगा आपका एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, जैसे पहले आपको डर लगेगा एंट्री करने में, वो क्या होगा आपको एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, जो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा बूम ठीक है। मुझे भी सर स्टॉक्स में बिलीव नहीं, ऐसा मत करो स्टॉक्स में कैसे बिलीव नहीं करते लोग, बहुत लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, देखो सबका मैं जैसे बोला सबका अलग अलग स्टाइल होता है, जैसे आपका अलग स्टाइल होगा है ना अभिषेक,
कोई ना, बैंकरप्टी क्यों नहीं, अच्छा है सब, बैंकरप्टी बहुत अच्छा है अगर अच्छे से कर पाए तो अच्छा है। लोग लेकिन क्या करते हैं, डेली ट्रेड करने के चक्कर में रहते हैं, सर मेरे को आज एंट्री नहीं मिला है, 15 मिनट हो गया एंट्री नहीं मिला, वो गलती होता है। ठीक है, वेट करो, यू हैव टू वेट फॉर योर सेटअप। अगर सेटअप आया ना, कोई पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, नहीं मैं वो जिगजैग वगैरह मैं नहीं यूज करता हूँ आसिफ, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं दूसरा इंडिकेटर, हम लोग जितना ज्यादा इंडिकेटर रखेंगे उतना ज्यादा चार्ट कंफ्यूजन कंफ्यूज दिखेगा, है ना। हाँ सर प्लीज अनाउंस द क्वेश्चन एज वेल पार्टिसिपेंट्स। ओके श्योर, डेफिनेटली सीएन। देखो सीएन पूछ रहे हैं सर, क्वेश्चन वो था कि यहाँ पे कैसे एंट्री किया गया था वो बता दिया गया। ठीक है, सर विच पैटर्न यू यूज, विच पैटर्न टू यूज टू बिगिन विद। देखो पैटर्न याद रखो गाइस, मेरा फेवरेट मैं बताता हूँ हमेशा, मैं ट्रायंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न मेरा फेवरेट है। ठीक है, ये दो पैटर्न, हेड एंड शोल्डर भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जो फेवरेट मैं बोलूंगा, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में ट्रायंगल पैटर्न को देता हूँ, उसके बाद चैनल पैटर्न, उसके बाद जो नॉर्मल पैटर्न दिखते हैं हेड एंड शोल्डर होके वो सब होके वो अलग बात। ठीक है, मैं ये दो चीज को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ। कर सकते हो, मार्केट में कभी कभी होता है। अच्छा क्वेश्चन में पूछना था सीएन, अच्छे से 2:30 के बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कि, 2:30 के बाद आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि 2:30 के बाद कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। 3 बजे के बाद ट्रेड करना थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है, 2:30 के बाद कर सकते हो, 3 बजे के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहते हैं तो वो डर लगता है, कब कुछ भी हो सकता है ना। क्या है क्वेश्चन, विच पैटर्न टू, मैं बता दिया ना, जैसे मेरा फेवरेट ट्रायंगल पैटर्न देखो अच्छा लगे, ट्रायंगल पैटर्न चैनल पैटर्न, पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, बता देता हूँ अभी, अभी बता देता हूँ। सेकेंड विच सर, सेकेंड चैनल पैटर्न, क्या मैं वॉल्यूम के लिए बैंक निफ्टी फ्यूचर को, हाँ देख सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो जो लोग ऑलरेडी ट्रेड नहीं कर रहे, जो बिगिनर्स हो, इतना ज्यादा चीज को देखने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम निफ्टी वगैरह सब चीज को देखने की जरूरत नहीं है। अभी के टाइम पे ओनली आप लोग स्पॉट चार्ट में देखो। ठीक है, आप क्योंकि आप ऑलरेडी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉट साइज भी आपका कम है, लॉट भी आपका कम ले रहे हो ट्रेड करते टाइम, पेपर ट्रेड कर रहे हो, तो इतना सारा चीज को देखने जरूरत नहीं। जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेंगे, धीरे धीरे आपको हिम्मत आएगा, तब उसके बाद आपको ऑटोमेटिक आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जाओगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, पैसा भी धीरे धीरे बन रहा होगा। आप एक जगह आपके लैपटॉप में एक जगह निफ्टी, एक जगह बैंक निफ्टी करके रखोगे, तो आप और देख पाओगे, निफ्टी इधर देख रहे हो, इधर बैंक निफ्टी देख रहे हो, प्रीमियम वर्जन ले लेना, प्रीमियम वर्जन में आपको ऑटोमेटिक सब कुछ दिखती जाएगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं, अभी बस जो बताया हूँ स्टार्टिंग में, सिंपल फंडा के ऊपर फोकस करो। ठीक है, अभी तो दिखाया वन ट्रायंगल पैटर्न, वन ट्रायंगल पैटर्न अभी दिखा रहा हूँ, यही सिंपल फंडा मैं दिखाऊँ आप लोगों को, देखो देखो गिरजा, देखो यहाँ पे है ना, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ बार बार रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं, है ना, तो ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न। गुड गुड कुंदन, गुड कुंदन, वो धीरे धीरे आ जाएगा, तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसीलिए अच्छा तुम देख पा रहे हो, है ना। आई थिंक आपको निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी अच्छा। हाँ वरुण, मेरे को थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट भी होता है ना, स्पीड होता है, निफ्टी में थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो चीज बहुत स्लो हो जाता है, एक एक पॉइंट मूव करेगा बोर लगता है। बैंक निफ्टी में क्या होगा, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, वो मजा आता है। ऐसा नहीं है, अगर निफ्टी अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट है तो निफ्टी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। वैसे तो दो, तब मैं ट्रेडिंग व्यू सर्च करके बिना प्रीमियम के यूज कर सकते हैं सर, दो चार्ट एक साथ, अभी नहीं, अभी से अभी नहीं यूज कर सकते, अभी प्रीमियम वर्जन नहीं देगा दो चार्ट। ठीक है, अभी देखने की जरूरत नहीं, अभी एक चार्ट देखो, फिर धीरे धीरे जब पैसा बनाओगे फिर उसके बाद दो स्क्रीन देखना। ठीक है, अभिषेक क्वेश्चन सर, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे बिना प्रीमियम के लगा सकता हूँ दो चार्ट, नहीं अभी नहीं लगा सकते, अभी की जरूरत क्या, अभी दो यूज कर दो ना स्टार्टिंग में, आप लोग इसको डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करके एक टैब में निफ्टी खोल दो, एक टैब में बैंक निफ्टी खोल दो, एक बार दिख जाएगा ऑटोमेटिक, अपने माउस माउस रखना अपने पास, माउस में फटाफट निफ्टी देखिए, राय निफ्टी देखिए। अभी के लिए जो लोग ऑलरेडी प्रो ट्रेडर हो, लोग धीरे धीरे जानते हो मार्केट को, आप लोग देखो, बिगिनर लोग कुछ देखने जरूरत नहीं, जो देख रहे हो चार्ट में उसी चार्ट में देखो। ओके
तो जैसे मैं आप लोग को दो दो चीज में हमेशा याद रखो गाइस, हमेशा बड़े बिगर टाइम फ्रेम के लिए जाना, निफ्टी देखो आप, बैंक निफ्टी देखो आप, कुछ भी देखो, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना, ठीक है? बिगर टाइम फ्रेम के लिए याद रखो, ओके? जब वो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, टाइम लो, हड़बड़ी में एंट्री मत करो, सस्टेन होने दो मार्केट को। सेकेंड पॉइंट, हमेशा मार्केट को सस्टेन होने दो, सस्टेन मतलब एक कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद एंट्री करना, ठीक है? अगर बहुत बड़ा कैंडल बनते जा रहा है उस टाइम आप लोग ले सकते हो, लेकिन छोटा कैंडल बन रहा है, देख रहे हो आप, मतलब कैंडल ऐसा हो रहा है, आप लोग को दिख जाएगा वो ऑटोमेटिक, धीरे प्रैक्टिस के साथ दिखेगा, ठीक है? मैं आप लोग को बताया हूँ क्लास में, फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ, ओके? देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है तो उसमें क्या होगा ना गाइस, अच्छा मार्केट होने जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिक अच्छा कैंडल भी धीरे धीरे बनते जाएगा, ठीक है? आप लोग को दिख जाएगा अच्छा कैंडल पहले से बनते आ रहा है, मतलब बाइंग जो अच्छा है वो अच्छा बनते आ रहा है। प्लस प्लस वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम लगा देना गाइस अपना हिसाब से, अभी के लिए लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वॉल्यूम जो है यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे, ठीक है? इसीलिए अब वॉल्यूम आपको ऐसा नहीं, वॉल्यूम दिखा तो एंट्री कर लो, नहीं, वॉल्यूम दिखा तो वेट करो, सस्टेन करने, तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है तो एंट्री कर सकते हो, नहीं तो एक कैंडल 5 मिनट का, 15 मिनट का क्लास कैंडल क्लोज होने, तो उसके बाद एंट्री करना, हायर आई पे एंट्री करना, ठीक है? वैसे करके एंट्री कर सकते हो, ठीक है? हाँ, एक मिनट, बजाज फाइनेंस में क्या है, हाँ ट्रायंगल पैटर्न में देखता हूँ, एक मिनट। हाँ परफेक्ट है ना, ये भी अच्छा चीज है। 5 मिनट्स में नहीं, देखो बहुत ज्यादा है, तुम इसको 15 मिनट्स कर दो, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ इसको, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर कैंडल को सस्टेन होने दो गाइस, ओके? देखो मेरे को कोई भेजा है बजाज फाइनेंस का, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल है, सब वॉल्यूम दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, ठीक है? सस्टेन नहीं कर रहा, तो हड़बड़ी में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा एक इसमें ब्रेक करेगा तो वी कैन एंटर हियर, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया देन वी विल बूम बूम बूम, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है ना? ये 5 मिनट्स में, हमेशा बिगर टाइम फ्रेम के लिए जाना जैसे बोला हूँ, ओके? ठीक है, हाँ पाइवट सेटिंग, अच्छा क्वेश्चन था संजय, सॉरी सॉरी मैं बता दे रहा हूँ। पाइवट पे क्या करना है, पाइवट पे जाना है यहाँ पे, ठीक है? इनपुट पे जाना है, इनपुट पे जाके आपका स्टैंडर्ड होगा, जब पाइवट मारोगे आपको स्टैंडर्ड आएगा, यहाँ पे आपको फिबोनाची कर देना है, ठीक है? ट्रेडिशनल होगा आपको फिबोनाची कर देना है, और ये ऑटो होगा आपको डेली कर देना है, और ये नंबर ऑफ पाइवट्स को कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये रख के आप ओके कर देना, ओके? सेट इसमें कहाँ जगह सर्च करोगे, यहाँ पे मारना पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है? ये मारोगे आपको आ जाएगा पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये वाला अपडेटेड वर्जन आया है ना, ये वाला पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा, ओके? दिख गया संजय, संजय मिला ना? वॉइस आ रहा है गिरिजा, वॉइस आ रहा है सबको, वॉइस नहीं आ रहा क्या गाइस? हाँ, नंबर कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कुछ भी रख सकते हो। तो ओके, छोड़ो गाइस, ये सब चीज तो नॉर्मल में बता दिया आप लोगों को, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ये सब चीज हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन मैं जो अभी बताने की कोशिश कर रहा था, बहुत लोग यहाँ पे जो ट्रेड करना शुरू करते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ गाइस। याद रखो रिस्क मैनेजमेंट का जो क्लासेस है, कौन सा लेक्चर में रिस्क मैनेजमेंट है, जो लोग देखे हैं आपको पता होगा, मेरे को याद नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट कौन सा लेक्चर में है, लेक्चर 3 राइट, लेक्चर 3, ओके लेक्चर 5, ओके, जो भी जिस लेक्चर में है गाइस, सबका अलग अलग लेक्चर होंगे, जो लोग अगस्त बैच में ज्वाइन किए हो, जो लोग सितंबर बैच में ज्वाइन किए, सबका अलग अलग लेक्चर होंगे। सुनो, याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ,
क्वांटिटी आप उसी हिसाब से ही लोगे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखना प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है अपने हिसाब से, अपने जितना कैपिटल है पूरा ट्रेड मत कर दो, प्रॉफिट के चक्कर में मत रहो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, 30% कैपिटल यूज करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ मान के चलो तुम्हारा जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें 20% बस 20-10% अपने अकाउंट में रखना और प्रॉफिट का सारा पैसा निकाल देना, ठीक है? जितना प्रॉफिट बनाओगे उसका 20% रखना अकाउंट में, 20-30% रखना और सारा पैसा निकाल देना अपने अकाउंट में, फंड में ये कर देना। जितना ज्यादा ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा लालच बढ़ते जाएंगे, ठीक है? प्रॉफिट बनाते जाओगे उसी चीज, उसी में ही अकाउंट में जितना पैसा बन रहा है उसी को ही ये करो, लेकिन 80% निकाल दो, प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है? अपने पास रखो, अकाउंट को बढ़ाओ मत, ओके? फर्स्ट चीज। दूसरा बात ये है गाइस, अगर 5 डेज कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लो, ठीक है? 2 दिन कंटिन्यूस, 2-3 दिन, 3 दिन कंटिन्यूस लॉस कर रहे हो, ब्रेक लो। ये आप लोग लगे सर कि जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइज। मैं मानो नहीं मानो, बस मेरा एक रिक्वेस्ट मानो, आप लोग करो नहीं करो अलग बात है, लेकिन मेरा बात मानोगे प्रॉफिट में रहोगे। मैं नहीं चाहता हूँ एक भी बंदा कोई आपका लॉस करे यार, मत करना लॉस, ठीक है? तो इसीलिए याद रखो, 5 ट्रेड के बाद जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना, ओके? फर्स्ट चीज। दूसरा बात ये गाइज, आरपीटी, आरपीटी जो रहेगा आपका वो उस पर कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। बढ़ा दूं थोड़ा सा, 10% बढ़ा देते, 5% बढ़ा देता हूँ, बेकार चीज है, मत करना। आरपीटी को फिक्स रखना है गाइस। फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, परफेक्ट ट्रेड लिए थे, परफेक्ट ट्रेड लिए थे, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है मैं एक लॉस बियर कर सकता हूँ। दूसरा तभी ट्रेड लूंगा जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट उस ट्रेड पे, तभी मैं दूसरा ट्रेड लूंगा, नहीं तो ट्रेड लूंगा ही नहीं। नहीं तो एक आपको कभी कभी क्या होता है, बहुत कोई क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद क्या थोड़ा सा नीचे आएगा, मैं काम करता हूँ, री एंट्री करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं आप, ये बेकार चीज है गाइस, ठीक है? दिमाग में ये सब मतलब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज नहीं है यहाँ पे, लॉस हुआ, हैव टू एक्सेप्ट द लॉस, ओके? यू विल ओनली एंटर इफ यू आर गेटिंग एटलीस्ट 3 स्टार 4 स्टार ट्रेड मिल रहा है, तभी मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो रैंडम ट्रेड एंट्री नहीं करूंगा लॉस के रिकवर के चक्कर में। लॉस रिकवरी नहीं होना, हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आज रिकवर नहीं, कल तो होगा, कल नहीं परसों तो होगा, गारंटीड होगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी साथ करोगे हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो इसीलिए याद रखो, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब नेक्स्ट तभी ट्रेड लोगे जब आप कॉन्फिडेंस फील करो, बहुत कॉन्फिडेंट फील करो, फर्स्ट चीज, ठीक है? और अगर स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा है, बहुत स्टॉप लॉस छोटा है और मैं देख रहा हूँ मार्केट यहां तक जा सकता है, वो ट्रेड जरूर लोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है तो आइधर मार्केट बूम होगा, आइधर मार्केट नीचे आएगा, तो वो ले लेना, क्योंकि बहुत रिस्क, छोटा रिस्क है तो उसमें लॉस भी होगा तो मेरा आरपीटी भी, आरपीटी के भी कम हो जाएगा, है ना? आरपीटी की तरफ नहीं लूंगा मैं, कम कर दूंगा, मतलब जहां पे लग रहा है, मैं जो बोला समझने की कोशिश करो, आपको लग रहा है ये ट्रेड इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा है, मतलब 10-15 पॉइंट का, बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, अगर अपने हिसाब से देखना है उधर, ये देखना अपने हिसाब से, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा लॉस स्टॉप लॉस है, मेरे को लग रहा है आइधर ये बूम हो जाएगा, आइधर में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो प्लान में आप लोग ले सकते हो, है ना? उसमें आप लोग ले सकते हो, लेकिन आरपीटी नहीं, आरपीटी पूरा यूज मत करना, ठीक है? आरपीटी पूरा यूज नहीं करो, उस पर आरपीटी को कम रखना, जहां पे डाउट रहेगा आरपीटी को कम रखना। निफ्टी में लियो सिग्नल डाउन साइड है, बाय निफ्टी में बोल सकते, वो जरूरी नहीं है रवि, सुनो, अगर निफ्टी में डाउन साइड ये है, इसमें अपसाइड ये है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जहां पे रीटेस्ट किया वहां पे एंट्री करेंगे, लियो सिग्नल कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हम लोग लियो अप हो डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इसलिए बोला एक चार्ट देखो, जितना चार्ट देखोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगे। अब तुम बोलोगे सर रिलायंस चार्ट में तो आज रिलायंस अभी ऊपर जा रहा है, रिलायंस पे, रिलायंस से भी मार्केट ये होता है, मतलब मान के चलो रिलायंस भी अगर ऊपर जा रहा है, रिलायंस भी निफ्टी को खींच लेता है ऊपर, ठीक है? क्योंकि रिलायंस का होल्डिंग निफ्टी में सबसे ज्यादा है, आप लोगों को सबको पता होगा, है ना? रिलायंस का सबसे ज्यादा होल्डिंग निफ्टी में ज्यादा है ना? तो निफ्टी रिलायंस जाएगा तो आपको लगेगा निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। अगर रिलायंस भी देखने लग जाओगे तो फिर तो बहुत कंफ्यूजन होंगे, है ना? इसीलिए सारे चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को निफ्टी का आदत हो गया तो वो लोग देखेंगे, जो लोग बिगिनर्स हो ओनली अभी निफ्टी में ट्रेड करो तो निफ्टी का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का देखो, कोई स्टॉक्स में कर रहे हो स्टॉक्स का देखो, ठीक है? लेकिन क्या है गाइस, स्टॉक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा ट्राई करना निफ्टी को देखने के लिए, स्टॉक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो निफ्टी बस साइड में खोल के रखना, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को दिख जा रहा है, थोड़ा सा ट्राई करना, क्योंकि निफ्टी के वजह से बहुत स्टॉक्स, बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं, बहुत सारे स्टॉक निफ्टी के हिसाब से थोड़ा मूव करते हैं, मतलब अगर निफ्टी अगर बुलिश है, निफ्टी अगर बुलिश आज है तो ओनली आप बुलिश ब्रेकआउट कहीं पे वो ढूंढने की कोशिश करना, ये पॉइंट मैं शायद बोला नहीं हूँ कहीं पे, ये देखना गाइस, ठीक है? ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे स्टॉक्स मानते नहीं है, जैसे टीसीएस मानता नहीं है,
विप्रो कभी कभी नहीं मानता, ठीक, आईटी स्टॉक्स नहीं मानते, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन बस कंफर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर निफ्टी बुलिश है तो आप लोग ब्रेकआउट अगर स्टॉक्स में कहीं ट्रेड करें, स्टॉक्स में बुलिश साइड में ट्रेड करने की कोशिश करना, ठीक है, बेरिश में मत जाना, वो ट्रैप हो सकता है, ठीक है, फंस जाओ, हमेशा नहीं होगा ऐसा, बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं होता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोग ट्राई करना, ठीक है, प्रैक्टिस करो, अभी देखो मैं बोल दिया, कल जाके कूद मत पड़ो, मैं बोला था वो प्रैक्टिस करो, अच्छा सर बोले थे, मैं सर के हिसाब से कर रहा हूँ, अच्छा ये सही हो रहा है, ये ले सकता हूँ, अच्छा नहीं ये स्टॉक्स है जैसे डॉक्टर रेड्डी है, ये है, वो नहीं मान रहा है बात, तो चलो डॉक्टर रेड्डी में मैं निफ्टी को देखने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर रेड्डी को उसी हिसाब से ट्रेड करूंगा, ठीक है, वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वो मार्केट में जब देखने लग जाओगे ना, नजरिया आपका चेंज जब होने लगे तब आप मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा सस्टेन करो, प्रैक्टिस करो, नजरिया चेंज होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रेड करने में मजा आएगा, लेकिन बहुत कोई सोचते सर मैं आज सीखा हूँ कल से प्रॉफिट कर सकता हूँ, दैट इज गैम्बलिंग, ओके, इंजीनियर डॉक्टर बनते शायद फर्स्ट क्लास के बाद उसके बाद ऑपरेशन करने चल जाते, यहाँ पे बहुत कोई डॉक्टर भी हैं, वो लोग कितना साल मेहनत किए, 6-7 साल मेहनत किए उसके बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर एक 4 साल मेहनत करता है उसके बाद इंजीनियर बनता है, तो आप क्या एक दिन में स्टॉक मार्केट सीख के दूसरे दिन से पैसा बनने लग जाओगे, ऐसा नहीं है ना गाइस, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और आज मैं सीख रहा हूँ कल से जाकर ऑपरेशन कर रहा हूँ और पेशेंट को बैठ के मार दिया, ऐसा थोड़ी होगा गाइस, आप लोग गलती करोगे कि नहीं फर्स्ट डे से, इसीलिए सेम टू सेम स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा वास्ट चीज है, और स्टॉक मार्केट ऐसा चीज है आगे जाके कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट कभी नहीं बंद होगा, मैं जित बोला हूँ आप लोगों को बहुत बारी चीज है ना, इसीलिए स्किल सीखना बहुत जरूरी होता है, ओके ओके गाइस, और कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम लोग आज के लिए सेशन यहीं पे डिस्कस करते हैं, यस परफेक्ट वरुण, परफेक्ट, कैंडल का नॉलेज धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा, कैंडल को देखने लग जाओगे, अच्छा ऐसा कैंडल है वो कैंडल है, ठीक है, नहीं कैंडल कैंडल स्टिक पैटर्न बोलो वो देखने की जरूरत नहीं है, बस हैमर कैंडल को परफेक्ट रखो, उस चीज को लियो सिग्नल, क्या बताओ बताओ सेवा, क्या पूछना, क्या बताओ, व्हाट इज लियो, क्या क्वेश्चन है पूछो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा है गाइस कि लियो सिग्नल को कैसे लगाऊंगा, आपको स्क्रिप्ट मिला है ना गाइस, आपको स्क्रिप्ट मिला है, स्क्रिप्ट को जाओ यहाँ पे, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, स्क्रिप्ट को जाना है यहाँ पे पाइन एडिटर पे आना है, पाइन एडिटर यहाँ पे देखो, आप लोग को नहीं दिखा अच्छे से, मैं फिर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सी सी यहाँ पे जाओगे, ठीक है, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है आप लोग को पाइन एडिटर, स्टॉक स्क्रीनर टेक्स्ट नोट पाइन एडिटर, पाइन एडिटर पे क्लिक करोगे, जितना ये सब लिखा है ना इसको क्लियर करना है पहले, ठीक है, क्लियर करोगे लियो सिग्नल को पेस्ट कर दोगे, ठीक है, जो आपके पास है पेस्ट करने, पेस्ट करने के बाद आर टू चार्ट करना, ठीक है, आर टू चार्ट करो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको सेव कर देना, ठीक है, लियो सिग्नल के नाम पे उसको सेव कर देना, खत्म, इतना ही करना, जो मैं स्क्रिप्ट दिया हूँ इसको पूरा क्लियर करने के बाद सेव करना, अगर नहीं क्लियर करोगे उसको पेस्ट कर दोगे तो एरर दिखाएगा, ठीक, पूरा पहले क्लियर करो उसके बाद आर टू चार्ट करो फिर सेव करो, यस कुंदन, अभी तो शुरुआत है, बहुत बहुत कुछ सीखना है अभी आप लोग को, ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे कंसिडर करेंगे, कमोडिटी के बारे में बात करेंगे, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, अभी नहीं, बहुत लोग हड़बड़ी में रहते हैं, मेरे को हड़बड़ी बंदे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, जो लोग धीरे धीरे ट्रेड करते हैं, जो लोग अच्छे से मेहनत करके करते हैं मेरे को अच्छे लगते हैं, चलो हड़बड़ी में, तो मेरे को पता है जो हड़बड़ी करके पैसा लूज करेगा स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं वो गलती नहीं करता, मैं नहीं चाहता आप लोगों का लॉस हो, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राम एक काम करो, मैं यहाँ पे जाओ लियो कम्युनिटी के मेंबर में जो ग्रुप में जाओ, वहां पे ऑलरेडी भेजा गया होगा, ठीक है, सर मैं व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट दिया है, मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है एक्चुअली, मेरे व्हाट्सएप पे तो नहीं है ना, तुम किसी और के किस व्हाट्सएप देखो, मैं देख लूंगा, ठीक, वो लोग अभी टीम नहीं है अभी अवेलेबल यहाँ पे, मैं देख लूंगा, ठीक है सर, स्टॉक ऑप्शन का क्लास मुझे एक बार किया था ना आप लोग का स्टॉक का, इसका ना अभी बता देता हूँ, डोंट वरी अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट सेशन कब होंगे मैं बता दूंगा, सैटरडे हो सकते हैं, ठीक है, सैटरडे हो सकते हैं, नहीं तो इस पर करेंगे, मनी मेकिंग मशीन स्ट्रैटेजी, मनी मेकिंग मशीन स्ट्रैटेजी मतलब मार्केट अगर कोई स्टार नहीं है, वन स्टार ट्रेड ओनली है,
और वन स्टार ट्रेड हो रहा है तो ओनली वी विल गो फॉर 30 points ओनली, ठीक है, 20 to 30 points, तो वो हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारा ट्रेड मिल जाता है तो इसको हम लोग स्कैल्पिंग बोलते हैं ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में एग्जिट करते हैं, उसको हम लोग मनी मेकिंग मोशन बोलते हैं। मैं बोलूंगा 1 मिनट में कर सकते हैं लेकिन 1 मिनट बहुत रिस्क हो जाएगा, बहुत रिस्क हो जाएगा, 50% एक्यूरेसी हो जाएंगे, तो मेरे को थोड़ा डर लगता है, आप लोग को बोलना भी डर लगता है, आप लोग गलती करोगे जाके हड़बड़ी में, मेरे को थोड़ा सा उसमें डर लगता है, बहुत ज्यादा 50% एक्यूरेट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में बताऊँ, 1 मिनट पे करेंगे हम लोग ट्रेड, उसमें 50% एक्यूरेट हो जाते हैं, लॉस होंगे, बहुत लॉसेस होंगे, मतलब लॉस प्रॉफिट ऐसा हो। मैं आई विल हेल्प, आई विल श्योरली डेफिनेटली, देखो क्या होता है कि मैं ट्राई करता हूँ आप लोग को एनालिसिस भेजने के लिए, टीम भी ट्राई करते हैं आपको एनालिसिस भेजने के लिए, इसीलिए वो लोग अभी आजकल इंस्टाग्राम पे आपको एनालिसिस भेजने का कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग बहुत बड़े फंड हम लोग मैनेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जिस दिन ट्रेड करते हैं किसी से बात करने का मन नहीं करते, सब इंडिविजुअली करते हैं, तो इसलिए मैं लाइव मार्केट में आप लोग को बता नहीं पाता हूँ कि यहाँ पे बाय करो सेल करो, यहाँ पे पैटर्न है, इसलिए पहले से बता देता हूँ, टीम को बोल देता हूँ, टीम खुद मैसेज करते थे कि ये पैटर्न से उनको भेज दो, जो पैटर्न देखेंगे वो लोग इसी से एंट्री लेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ बहुत बार करने के लिए, पहले करता था, अभी थोड़ा सा चल रहा है। कोल्डमाइन स्ट्रैटेजी समझाए, कोल्डमाइन स्ट्रैटेजी संजय मैं समझ गया, तुम नहीं देखे हो लेक्चर, लेक्चर जाके 1 to 5 देखो, यू विल लर्न इट, ओके। ओके देखो अगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैं दिखाऊँ कुछ को, एक मिनट मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग यस बोलोगे तभी बता, मैं बता दूंगा आप लोग ट्रेड ले पाओगे, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 50% एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है, 1 मिनट के ऊपर जाऊंगा तो 50% एक्यूरेट हो जाएंगे, तो इफ यू वांट टू गाइस नो मेरे को बताओ, मैं तभी जाके आपको ऑप्शन स्कैल्पिंग सिखाऊंगा, वो क्यों वहां पे लॉस होंगे उसका आपको वो लॉस देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 50% एक्यूरेट है वहां पे, तो इफ यू गाइस वांट टू नो आई विल ओनली टीच दैट। सब कोई क्या बोल रहे हो गाइस, मैं बाद में बताऊंगा, आज तो नहीं बता पाऊंगा, इफ एवरीवन वांट्स टू नो कि ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ओके देन, ओके सबको यही बोल, हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरे को कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, कोई पैटर्न दिखेगा मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, अभी मैं पैटर्न ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम वही बोल रहे हैं स्कैल्पिंग देखने के लिए, ओके मैं बता दूंगा गाइस, तो लेकिन गाइस थोड़ा सा डर के रहना, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है और लॉस भी वैसे ही करता है, ओके आई विल टीच यू नेक्स्ट क्लास में, हम ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो इसको सीखते रहो, सीख के रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कभी ना कभी तो काम आएगा। सो वेट टू शो, वेट टू शो सिक, गुड, ओके मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ, बस मैं रैंडमली बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे को तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है इतना कुछ, मैं फिर भी मैं यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल छोटा टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी पूछे थे कि सर मेरे को एक बार 3 स्टार 4 स्टार का ये दिखा दो, पैटर्न दिखा दो, ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। तो मार्केट में बहुत बार ब्रेकआउट हो रहा था, उसके बाद मार्केट में सेलिंग सिग्नल आया, मार्केट में यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देखो मेरे को जहाँ मिला मैं बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट में बहुत बार रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बार बार हो रहा था, सपोर्ट को मार्केट ब्रेक किया, हम लोग को पता है कि मार्केट में लियो सिग्नल भी डाउन ट्रेंड में है, मतलब ऑलरेडी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद 18 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, मतलब एक इंडिकेशन मिल गया, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ, 2 इंडिकेशन मिल गया, अगर पाइवट लगाता हूं मैं, बस सिंपल बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप लोग बस दिखाने में सब कुछ तो नहीं मिल रहा है, बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है।
पाइवेट भी पुल बैक है हो गया, दिखा यहाँ पे, दिखा आप लोगों को पाइवेट भी पुल बैक हो गया है ना। एक तो पैटर्न रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, एक दूसरा मेरा लियो सिग्नल सेलिंग जोन पे है, रीटेस्ट भी हो चुका है 18 मूविंग एवरेज को, थर्ड पाइवट को भी रीटेस्ट कर गया, ठीक है, पाइवट पे पुल बैक दे दिया और उसके बाद मार्केट क्या हो गया, खींचा गया। समझ में आया रवि, क्लियर हुआ यहाँ पे क्या थ्री स्टार हुआ कि नहीं? फर्स्ट पैटर्न ब्रेकआउट, दूसरा लियो सिग्नल, थर्ड पाइवट, ये एक्चुअली इसमें टू स्टार ही लेंगे, ठीक है। अगर पैटर्न कुछ पैटर्न मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक किया ठीक है, लेकिन पैटर्न अच्छा खासा पैटर्न होता, अच्छा हाँ अच्छा खासा पैटर्न होता, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ये थ्री स्टार है, ठीक है, थ्री स्टार परफेक्ट, ठीक है, देखा थ्री स्टार है। ट्रायंगल पैटर्न कोई पूछ रहा था, ट्रायंगल पैटर्न किसी दिखता है, देखो ट्रायंगल पैटर्न किसी दिखता है, देखा ट्रायंगल पैटर्न क्या है, ट्रायंगल पैटर्न दिखा ना आप लोग को, समझ में आया, ब्रेक किया फर्स्ट ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक कर रहा है एक, दूसरा लियो सिग्नल सेलिंग जोन पे, तीसरा तीसरा पाइवट को रिटेस्ट किया, थर्ड कुछ वॉल्यूम होंगे, फोर्थ उसको मिला के मार्केट में बूम 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 लियो सिग्नल बूम 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 बूम, अच्छा खासा प्रॉफिट, तीन गुना आपका कैपिटल हो गया, ठीक है। अभी समझ में आया क्वेश्चन जो पूछ रहे थे, थ्री स्टार से एक बार चार्ट में दिखा दो, है ना, क्लियर, ओके ओके, ठीक है। संजय गोल्ड माइन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो पूरा क्लास ले लेगा, बहुत टाइम लेता है, तुम एक बार प्लीज जाके लेक्चर थ्री देखो, ठीक है, अभी नहीं समझा पाऊंगा, तुम पूरा लेक्चर नहीं देखते हो गाइस, कैसे फिर क्लास अटेंड करते हो, मैं सिर्फ स्टार्टिंग में बोला था आप लोग, पूरा लेक्चर देखो उसके बाद ज्वाइन करो क्लास, है ना। आज सबका डाउट क्लियर हो गया, यस और नो, फिर मैं आज खत्म करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑप्शन स्कैल्पिंग बताऊंगा, जैसे बहुत लोग का रिक्वेस्ट आया ऑप्शन स्कैल्पिंग बताऊंगा, ठीक है, ओके संजय, पूरा देखो समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ वन मिनट में कर सकते हैं, अच्छा ओके। तो आज के क्लास में आप लोग कुछ मजा आया गाइस, एवरीवन सीखने मिला कुछ, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोग को ट्रेड करने में, लग रहा है कि यस आई नो, कोई नो बोल रहा है, नहीं समझ में आया क्या, अच्छा नहीं लगा तुमको, नो नो बोल रहा है कोई, तुम पे सर साहू बोल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा तुम पे सर, मेरे को बताओ तुम क्या ऐसे गलती किया, नहीं बता पाया आपको, टफ आई हैवंट सीन वीडियो, नाउ आई विल सी, यस गुड ललित, पहले पहले अभी इसीलिए बोलता हूँ, पहले क्लास जब देख लोगे ना आप समझ में आ जाएगा, अभी क्या होता है ना, जो लोग क्लास आप बिल्कुल एक भी नहीं देखो, एक दो लेक्चर देख लिया आप लोग, अगर डायरेक्ट रह के क्लास में रिकॉर्डिंग देखने ले जाओगे तो आप कन्फ्यूजन शुरू होंगे, है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले पूरा क्लास को देखो, टीम ने भी आपको बहुत बार बोले होंगे, बहुत बार बोले होंगे, पूरा क्लास को देखो, पूरा क्लास को देखो, पूरा क्लास को देखो, उसके बाद ये करो, इसीलिए पूरा क्लास को जब रिपीटेडली देखने लगोगे तब समझ में आने लगेगा, है ना, इसीलिए मैं बोला बहुत कुछ सीखा सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच, मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोग का रिप्लाई, आप लोग सीख रहे हो बहुत कुछ, नॉलेज आ रहा है, बहुत कोई है जो स्लो जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग बार 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 देखो, आप भी स्लो से फास्ट हो जाते, बहुत कोई है यहाँ पे ऑलरेडी जो देख चुका है, है ना। मैं भुवनेश्वर ओडिशा, ओडिशा से हूँ, गुड गिरिजा, थैंक यू सो मच, वही चाहिए मेरे को, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा ना, मेरे को वही चाहिए, सबको ये करो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डे बाय डे, यस धनुष, और धीरे धीरे होगा, ओके दो दिन हुआ है ज्वाइन करते हुए, यस आई नो सूर्य नारायण खाना, आई नो यू आर फ्रॉम ओडिशा, ओके नहीं मेरे को जानना है, मेरे को कोई बंदा एक दिन बोला था सर अच्छा नहीं लगा, कौन था, टेम्पो टोम्पे सर, क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ टोम्पे सर, बताओ क्या है सोचे, तुमको क्यों नहीं अच्छा लगा, तुम क्लास अटेंड किए थे कि नहीं पहले, क्यों टेल मी, उसको अच्छा नहीं लगा मेरे को जानना है क्यों नहीं अच्छा लगा, यस 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 मिल जाएगा trainingview.com पे। अच्छा और एक क्वेश्चन है गाइस, बहुत लोग ये बोल रहे हो ना सर मेरे पास लैपी नहीं है मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल है ना गाइज आप लोग जाके trainingview.com गूगल क्रोम में जाके सर्च करो, ठीक है,
गूगल क्रोम में जाना, वहां पे सर्च करो, आपको सर वहां पे पाइनेटर का ऑप्शन आएगा, ऐप डाउनलोड मत करो, ऐप पे नहीं होगा। एक बार आप लोग tradingview.com पे जाके साइन इन करके वहां पे स्क्रिप्ट दे दोगे, उसके बाद आप में ऑटोमेटिक उसी लॉगिन पासवर्ड को यूज कर देना, आप में ऑटोमेटिक काम करने लग जाएंगे। मैं जो बोला समझा ना गाइस? गूगल क्रोम पे जाना है, tradingview.com आना है, tradingview.com पे जाके पेस्ट कर दो, उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपका एक ऑलरेडी साइन इन हो चुका है, मतलब आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, उसको लाके आप में अपना जब आप यूज डाउनलोड करोगे tradingview, आप यूज करोगे उसमें साइन लॉग इन आईडी पासवर्ड दे दो, उसके बाद ऑटोमेटिक काम करने लग जाएंगे। ठीक है, tradingview.com गूगल क्रोम डेस्कटॉप वर्जन करना, डेस्कटॉप वर्जन। ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अच्छा, जो लोग आप ऑलरेडी लैपटॉप में यूज कर रहे हो, आप डायरेक्ट जाके अपना tradingview ऐप में जाके यूजर आईडी पासवर्ड दे दो, ऑटोमेटिक वो एलिवे सिग्नल आ जाएंगे। ठीक है, लर्निंग ए लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ऑल केस टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं 5 को ज्वाइन किया हूँ, सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। गुड विश्वजीत, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, जो भी डाउट्स है मेरे को पूछना, ठीक है, जो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, जब भी मैं फ्री रहूंगा व्हाट्सएप में वो लोग कॉल करना, मैं अवेलेबल रहूंगा तो ले लूंगा। ओके तंपेश्वर, मैं समझ गया, तंपेश्वर अभी रिप्लाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं सर मैं न्यू हूँ, मैं ये मेरा फर्स्ट क्लास है इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ओके तंपेश्वर, कोई बात नहीं, तुम जाके पहले लेक्चर्स देखो, सारा लेक्चर्स 1 to 5 लेक्चर्स देखो, उसके बाद जब 6 क्लास अटेंड ये वाला रिकॉर्डिंग देखोगे तब समझ में आएगा, तब मेरे को पर्सनली वो दिनेश के नंबर में मैसेज कर देना, सर अब मेरे को लग रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, तब मेरे को आप तुमसे आंसर चाहिए, सर आप स्टॉक्स मार्केट कैसे, वो बताऊंगा, स्टोरी अलग है, कभी बाद में बताऊंगा, आज बहुत टाइम हो चुका है, डेस्कटॉप पर ही कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ओके मैं ट्राई करूंगा, वो मैं करने का ट्राई करूंगा। इन एंजल बुकिंग, नहीं एंजल एंजल बुकिंग में क्या होता है ना, जेरोधा में वो सब चीज ऑप्शन नहीं देते हैं, वो लोग स्क्रिप्ट यूज करने के लिए ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का फीचर्स बहुत अच्छा है। आपको नोटिफिकेशन आएंगे, आपको अलार्म सेट कर सकते हो, कोई स्टॉक्स में अलार्म सेट कर सकते हो, वहां पे लिस्ट कर सकते हो, मतलब मेरे पास 5 स्टॉक्स है जैसे बताया हूँ आप लोग को, 5 स्टॉक्स है, 5 स्टॉक्स कलर करके रख दो कि ये स्टॉक्स अच्छा मूवमेंट होने वाला है, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स को कलर करके रख दो तो आप लोग को ये इजी होगा। ओके ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, हैप्पी गणेश पूजा, कल तो मार्केट बंद है, गणेश पूजा में एंजॉय करो, चार देखने की जरूरत नहीं, एंजॉय करो। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत नए मेंबर्स हैं, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन।